Hi everyone, this is uh, Manmohan bhaiya. Uh, today uh, in this webinar I'll be uh, teaching probability. तो so, आपको पता ही है ये webinar किस तरह से चल रहे हैं और uh, कम time में हम टॉपिक को रिवाइज़ कराते हैं और uh, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं एंड यू हैव आई होप यू हैव सीन माय अदर वीडियोस आई शेयर द फर्स्ट वन आई वाज लाइक आई शेयर बेस्ड ऑन फंक्शंस लिमिट्स एंड सेकंड वन वाज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी इन द लास्ट वन थर्ड वन आई शेयर टू डेज बैक वर्स अन एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव अगेन बट इट वॉज एन एक्सटेंशन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम दोज टॉपिक्स तो इस वाले सेशन में मैं प्रॉबिलिटी कवर कर रहा हूँ और प्रॉबिलिटी पता ही है क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपने पढ़ा होगा पहले मैं तो सिर्फ रिविजन कराऊँगा थोड़ा डिफिकल्ट है कम टाइम में उसको सब चीज़ों को कवर करना बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड इफ यू लाइक माई वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू शुड लाइक इट इन द चैनल एंड ऑल्सो इफ यू कैन गिव कॉमेंट्स इट्स वेरी एंक्रेजिंग फॉर एस फॉर द होल टीम तो शुरू करते हैं प्रॉबिलिटी की हम क्विक रिविजन सो ब्रीफली आई एल बी कवरिंग दीज टॉपिक्स एंड आई एल बी लिटल फास्ट तो आई एल मेक श्योर देट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स लेकिन थोड़ा मैं स्पीड लेके चलूँगा क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है और टाइम हमारे पास कम है तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिलटी इज़ वॉट वी हैव इन जय सिलेबस एंड दैन द कंपाउंड इवेंट्स देर आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इवेंट्स एंड इन जनवरी एग्ज़ाम कंडीशनल प्रॉबिलिटी there was no question based on conditional probability in january exam but we still quickly revise this multiplication theorem bayes theorem again no question was there on bayes theorem in january exam and binomial experiment yes there were questions based on binomial experiment in january exam so this is what we plan to cover so the first thing the definition of classical you know definition of probability how we define classical definition of probability i'll quickly mention that you know like uh, fundamentals are uh, to you know understand probability concepts we perform random experiments random experiment is the one where you cannot predict the outcome outcomes are random you cannot predict them that's a, we call random experiment and then on this experiment you define events you define your happening you define your preferences you make subsets we both them तो पहले हम सैम्पल स्पेस भी बनाते हैं कई क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन हैपन इन एन एक्सपेरिमेंट उनसे अपनी हम अपनी इवेंट डिफाइन करते हैं उसमें से कुछ चूज करके हम कहते हैं मेरी प्रेफरेंस ये है सो वी डिफाइन सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस और वी डिफाइन इवेंट्स ऑन सैपल स्पेस एंड देन वी आर रास् टू फाइंड द प्रॉबलिटी ऑफ दिस इवेंट चांसेज ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट दैट्स अ क्लासिकल डेफिनेशन क्लासिकल डेफिनेशन सेज दैट इफ यू हैव टू फाइंड प्रॉबलिटी ऑफ एन इवेंट then this is the formula you see how many how many outcomes are favorable in 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 in, in set so it's like this suppose if i throw a dice then my sample space would be these six elements सिक्स नंबर्स फर्स्ट सिक्स नेचुरल नंबर्स दैट कैन दैट अ डाई कैन शो तो ये सिंपल स्पेस है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स उसमें से मैंने ए डिफाइन कर दिया सपोज अकरेंस ऑफ आड नंबर ऑर्ड नंबर आ गया वन थ्री फाइव तो प्रॉबिलिटी अब ये कह रहे हैं चांसेज ऑफ हैपनिंग और प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट ए हम कहते हैं कितने आउटकम है फेवरेबल हैं और आउटकम जो फेवरेबल हैं वो सारे के सारे सेट ए में है क्यों ए कंसिस्ट ऑफ ऑल द आउटकम्स दैट फेवर इवेंट ए सो दे आर प्रेजेंट इन सेट ए so तो मीन सेट में एन ऑपरेटर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं जो सैम्पल स्पेस में हैं. तो ये हम कह रहे हैं रेशियो ले लो दट्स हाउ भी डिफाइन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रॉबलिटी कि आप फेवरेबल आउटकम्स देखो पॉसिबल आउटकम्स देखो और दोनों की रेशो ले लो सो दट्स अ डेफिनेशन दैट्स अ फॉर्मुला दट वी विल भी यूजिंग थ्रू आउट द चैप्टर साथ में ये भी फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए कई बार आता है क्वेश्चन कभी नहीं भी आता है मुझे याद नहीं आ रहा है कभी आया हो दो डेफिनेशन हो रहा है ये प्रॉबिलिटी नहीं है ये है ऑर्ड्स फे, फे इन फेवर ऑफ ए ऑफ एन इवेंट और ऑर्ड्स अगेंस्ट ए इवेंट ऑर्ड्स इन फेवर ऑर््स अगेंस्ट अगर आप रियल वर्ल्ड में बात करेंगे रियल वर्ल्ड में हम प्रॉबिलटी वर्ड नहीं यूज़ करते फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेट मैच है एंड देन यू वॉन्ट टू कैलकुलेट प्रॉबलिटी ऑफ़ इंडिया विनिंग तो हम प्रॉबिलिटी नहीं कहते हम कहते ऑर्ड्स इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग और ऑर्ड्स अगेंस्ट इंडिया विनिंग सो ऑर्ड्स इन फेवर ऑर्ड अगेंस्ट फॉर्मूला थोड़ा फर्क हो गया इस बार ऑर्ड्स इन फेवर के अंदर हम बोलते हैं फेवर जब आ रहा है ध्यान रखना फेवरेबल आउटकम्स गोज इन द न्यूमरेटर एंड अनफेवरेबल आउटकम्स गोज इन डिनोमिनेटर टोटल नहीं आता डिनोमिनेटर में फेवरेबल गोज इन न्यूमरेटर एन ए एंड द वन विच आर अदर्स विच आर नॉट फेवरेबल विल गो इन डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर हो गया एन एस माइनस एन ए जो फेवरेबल नहीं है ये मेरा फॉर्मूला बनता है ऑर्ड्स इन फेवर का राइट right? जो अनफेवरेबल है माइनस कर दिया मैंने जो मेरे फेवरेबल है तो, तो इस बार न्यूमिनेटर में जो आ रहा है वो, वो, वो आ रहे हैं जो फेवरेबल नहीं है इवेंट के अनफेवरेबल विल गोन्यूमिटर एंड फेवरेबल विल गो डिनोमिनेटर ये फॉर्मला है फेवरेबल क्या डिनोमिनेटर में अनफेवरेबल इन फेवर फेवरेबल ओवर अनफेवरेबल ऑर्ड अगेंस्ट इज अनफेवरेबल ओवर फेवरेबल so the, the the next topic is compound events so compound events means you concatenate events you join events suppose a and b events are two events defined on some experiment सो so, एक्सपेरिमेंट जो सैंपल स्पेस है मेरा एस जो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है वी कैन इट्स अ सेट बेसिकली इट्स अ सेट सो वी कैन ऑल्सो यूज वन डायग्राम टू रिप्रेजेंट यू नो सेट्स और टू रिप्रेजेंट एक्सपेरिमेंट और टू रिप्रेजेंट इवेंट्स सो वी ऑल्सो यूज वैन डायग्राम तो सपोज मान लेते हैं इवेंट डायग्राम है मतलब सैंपल स्पेस है एक्सपेरिमेंट का उसमें मैंने दो इवेंट डिफाइन करी है मुझे अब दो इवेंट लेनी है मल्टीपल इवेंट लेनी है तो एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है तो यहाँ पे हम कंपाउंड इवेंट डिफाइन करते हैं पहली कंपाउंड इवेंट डिफाइन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी राइट इट मीन्स दैट ए हैपन्स एज वेल एज बी हैपन ए एंड बी बोथ तो इन शॉर्ट कह सकते हैं बोथ ए एंड बी बोथ हम डिफाइन करते हैं इवेंट ए यूनियन बी इट मीन्स एटलीस्ट वन एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी एंड देन वी डिफाइंड दिस इज ओनली ए इज़ हैपनिंग बट बी इज़ नॉट हैपनिंग अभी बी पे जो तो बाहर लगाया आपने पढ़ तो लिया सारा बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको इट मीन्स नॉट हैपनिंग ऑफ बी नॉट हैपनिंग ऑफ बी जब भी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया आपने बार लगा दिया डैश भी लगाते हैं हम इसको ऐसे ये भी कहते हैं बी कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग ऑफ बी राइट नॉट हैपनिंग ऑफ बी है ये तो इस मतलब हो गया जो फेवरेबल नहीं है बी के वो आएंगे इस बार टोटल में से माइनस कर दिया जो फेवरेबल है वो आएंगे डिवाइडेड बाय एन ये मतलब है कि नॉट हैपनिंग ऑफ बी मींस दोज आउटकम विच डोंट फेवर बी सो न्यूमरेटर इज टोटल में से जो फेवरेबल है वो माइनस कर दिए तो ये आता है एक फॉमला भी ये बन जाता है कि प्रॉबल्टी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रॉबर्टी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज यूनिटी और वी कैन से बी के लिए भी लिख सकते हैं सो इट मीन्स ये वन हो गया ये हम फॉमुला काफ़ी यूज़ करते हैं ये आ गया इसी से आ रहा है यहाँ पे अगर आप इसको लिखेंगे प्रॉबल्टी बी कॉम्प्लीमेंट तो ये बन गया प्रॉबल्टी बी कॉम्प्लीमेंट इक्वस टू वन माइनस प्रॉबल्टी बी सम का यूनिटी है तो यहां पे वही हो रहा है अब यहां पे वापस आ गए हम ये है ओनली ए क्योंकि ए इवेंट हैपन हो रही है एंडिंग हो रही है एंड एंड साथ में नॉट हैपनिंग ऑफ बी ए बट नॉट हैपनिंग ऑफ बी ए एज वेल एज नॉट हैपनिंग ऑफ बी सो वी से ओनली ए सेम वे वेन वी से बी इज हैपनिंग बट ए इज नॉट हैपनिंग सो इट बिकम्स ओनली बी तो ये आप अगर कोई जो समझ रहे हैं अभी पहले ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो उनको एक बार मैं बता दूं कि ये मतलब है बी का हैपन होना कंकेटिनेट कर रहे हैं इवेंट को एज वेल एज एंड साथ में ये भी लो क्या नॉट हैपनिंग ऑफ ए तो बी का होना और ए का ना होना हम कहते हैं ओनली बी खाली बी हो गया इन दैन वी से कि दिस इज ओनली लेट लेट्स एट द सेम टाइम लेट्स अंडरस्टैंड पहले लिख लेते हैं फिर दिस इज दिस दिस वी जस्ट स्टडीड ओनली ए इसको कनकेटिनेट कर दिया और कर दिया साथ में किससे ओनली बी ये देखो ओनली ए एंड ओनली बी ओनली ए ए हैपनिंग नॉट बी हैपनिंग बी हैपनिंग नॉट ए ये बन जाता है एग्जैक्टली exactly वन या तो ए इवेंट हैपन होगा या फिर बी होगा एक्जैक्टली exactly वन अभी समझते हैं इसको हम बाद में और लास्ट कंपाउंड इवेंट बनता है नीदर ए नर बी नन नन ऑफ ए एंड बी तो ये मेरी सिक्स कंपाउंड इवेंट्स मैं डिफाइन कर सकता हूँ ए और बी को साथ में लेके राइट right? तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं मीन्स में वो दो इवेंट वाले आते हैं लेकिन तीन इवेंट वाले भी पढ़ सकते हैं बट कॉन्सेप्ट सेम है तो पहले दो पे फोकस करते हैं हम क्योंकि तीन वाले नहीं क्वेश्चन बनते ज़्यादा आते हैं तो ये देखो अब मैंने मैंने इनको क्विकली वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं अगर पहला मैं पहले को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहला इवेंट है मेरा यहाँ जो मैंने नंबर वन किया है नंबर वन है बोथ ए एंड बी ए एंड बी हैपन टुगेदर तो वेन डायग्राम का ये वाला पार्ट लेना A ये है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी ए टुगेदर ये वाला पार्ट है राइट अगर तो मैं सेकंड सेकंड इवेंट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं सेकंड इवेंट है ए यूनियन बी इधर ए और बी और बो तीनों पार्ट आएंगे ये ओनली ए है ए में है ये बी में नहीं है ये पार्ट देखेंगे आप ए में है और बी में नहीं से कहते ओनली ए दिस इज ओनली ए राइट तो अभी बाद में लिखते हैं उसको पहले हम तुम हम अभी हम बना रहे हैं ये वाला पार्ट देखो ये मेरा बनता है ए यूनियन बी सेकंड है ये सेकंड ए यूनियन बी है ये इसमें सारे पार्ट आ गए हैं दोनों इवेंट भी क्योंकि यूनियन का मतलब है इधर ए और भी और बोथ तीनों लो इसमें खाली इवेंट हैपन हो रहा है वो भी लो बी बी को भी लो आप और दोनों को भी लो तो ये एरिया बन जाता है ए यूनियन बी का ये फॉर गो गो डाउन ओनली ए सिर्फ ए इवेंट हैपन हो रही है वो ये वाला एरिया लेना है जो ए में है वो बी में नहीं है दिस इज द पार्ट विच वी से ओनली ए

ये क्वेश्चन में भी यूज होगा अभी 2020 में जो क्वेश्चन आया है एग्जैक्टली वन एग्जैक्टली वन मतलब एक इवेंट हैपन होगी अब ए भी एक इवेंट क्या हो सकती है वो खाली ए भी हो सकती है या वो बी भी हो सकती है तो इसको लिया मैंने कि खाली ए इवेंट हैपन हो रही है लेकिन हो सकता है एक्जैक्टली exactly वन में खाली बी इवेंट हैपन हो तो ये दो पूरा एरिया लेना एक्जैक्टली वन exactly में क्योंकि एक परी भी एक इवेंट हैपन होनी चाहिए वो ए भी हो सकती है मतलब ओनली ए हो गया या फिर वो बी भी हो सकती है वो ओनली बी हो गया दोनों को मिलाना है दोनों को ऐड करना है ये आ गया ऐसे इसका ये वाला पार्ट देखेंगे तो इसको अगर हम देखते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रॉबलिटी ओनली प्रॉबल्टी एग्जैक्टली वन तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं प्रॉबल्टी ओनली ए ये इसमें मैंने ये ऐड कर दिया प्लस कर दिया मैंने इसमें ओनली बी ऐड कर दिया ये मतलब है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ओनली ए है तो मैं ए में से माइनस कर दूंगा जो ए और बी दोनों इवेंट हो रहे हैं ए को अलग करना है यहाँ देखो ये यह सर्कल मेरा ए का है इसमें से मैंने क्या करा ये वाला माइनस कर दिया ये जो मैं अब रेड से पिंक से शेड कर रहा हूँ ये वाला एरिया पिंक नहीं इसको मैं माइनस कर दूंगा जो ब्लू शेडिंग में से वाले में से जो मैंने सर्कल में से ये एरिया माइनस कर दूंगा और ये मेरा क्या है ए इंटरसेक्शन भी है ये बोथ एंड भी है कॉमन एरिया ए और बी का तो ये माइनस कर दिया ये हो योगे ओनली ये सेम वे वॉट आई कैन डू आई कैन सप्रेट बी में से माइनस कर दिया जो पार्ट है दोनों में है ए और बी दोनों का पार्ट है ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो ये मेरा ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस टू टाइम्स प्रॉबलिटी ए इंटरसेक्शन पी दिसक्टली वन राइट ये हम यूज करने वाले हैं इसलिए मैंने इसको थोड़ा बता दिया है ये एग्जैक्टली exactly वन है और मेरी जो सिक्स इवेंट है वो है प्रोबलिटी नन एक भी इवेंट हैपन नहीं हो रही है ना तो ए हो रहा है ना बी हो रहा है इसका मतलब ये आ रहा है ये है ए के भी भार और बी के भी भार ये पार्ट लेना है आपने राइट और एक चीज आप देख सकते हैं कि ये इसको देखो आप ये है प्रॉबलिटी नीदर है ए भी नहीं एज वेल एज बी भी नहीं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज नीदर ए नर बी नन ऑफ एंड बी ये तो इसमें और इसको देखो और साथ में इसको देखो ए यूनियन बी यूनियन बी को मैं मार्क कर रहा हूँ ये yeah. तो दोनों को मैं आप देख रहे हैं तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच कैन नॉट हैपन हैपन कैन नॉट टुगेदर अगर इवेंट ए हैपन हो रही है तो बी हैपन नहीं होगी बी हो रही है तो ए नहीं होगी वी से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे कैन नॉट हैपन हैपन टुगेदर राइट सो टू टू इवेंट्स आर बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे कैन नॉट टुगेदर मीन्स मीन्स प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन बी जीरो है उनके साथ में होने के चांसेज जीरो हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये मतलब है दे के नॉट हैपन टुगेदर राइट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए के नॉट हैपन टूगेदर अब इन दोनों को मैं देख रहा हूँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जब ये है तो ये नहीं है और उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो प्रॉबल्टी ए यूनियन बी प्लस प्रॉबर्टी नन ऑफ यू एन आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और सम ऑफ द प्रॉबर्टी वन होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव देख लिया हमने तो कॉम्प्लीमेंट्री है दो जब जब ये है तो ये नहीं है ये है तो ये नहीं है देखो आप इसमें इसमें मैंने इसमें जो शेडिंग है इस वाले में मैं इसको ए मार्क कर रहा हूँ इसको बी इसको वन टू इसको, इसको कह रहा हूँ मैं या कुछ को तो उसको पी और इसको क्यू कह देते हैं पी में जो शेडिंग है वो क्यू में नहीं है जो क्यू में शेडिंग है वो पी में नहीं मुझे इसको क्लोजिंग तो है लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हैं मतलब तो बचा हुआ पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है अगर मेरी ये ए इवेंट है तो ये मेरा ए इवेंट है तो बच जो ए का ना होना इस कॉम्प्लीमेंट्री ये कॉम्प्लीमेंट्री है जो बच गया तो यहाँ पे देखो जो मेरी शेडिंग है उसके अलावा क्या बचा है उसके अलावा ये पार्ट बचा है ये वाला पार्ट बचा है वो क्या है ए यूनियन भी है सो नन ऑफ एन बी एंड ए यूनियन बी आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कुछ ना कुछ होना और कुछ भी नहीं होना दो कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन है इनका सम वन है ये भी हमें फॉर्मला बहुत यूज़ करते हैं हमें जब भी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है तो हम काफ़ी क्वेश्चन में कहते हैं वन में से माइनस कर दिया ना तो ए इवेंट हैपन हो रही है ना बी हो रही है नन ऑफ एंड बी सो वी यूज़ इट अलाउट राइट सो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ अबाउट कंपाउंड इवेंट्स द कंपाउंड इवेंट्स वी कैन डिफाइन इसमें एक फॉर्मला और अभी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्रॉबर्टी ए यूनियन बी का एक फॉमला होता है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल प्रॉबर्टीज दैट इज माइनस प्रॉबर्टी ऑफ देयर इंटरसेक्शन तो ये फॉर्मुला हमें याद करना है कि प्रॉबलिटी एटलीस्ट वन ऑफ एन बीज पी ए प्लस पी बी माइनस प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन भी और यह फॉर्मूला हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर तीन इवेंट है प्रॉबर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी तो हम कहते हैं सम ऑफ द इंडिवजुअल प्रॉबर्टीज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी देन माइनस प्रॉबर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पैटर्न है इसमें आप देखो ये पहले सबको एड करना है इंडिजुअल को टेकन टू एट ए टाइम दो दो करके मुझे सपरेट करना है फिर मुझे प्रॉबर्टी ऑफ देर इंटरसेक्शन प्लस फिर करना है माइनस फिर देखो पहले प्लस एफ ए माइनस एफ ए प्लस है टेकन ऑल एट ए टाइम इंडिविजुअल टू एंड देन थ्री इंडिविजुअल लिए फिर टू इवेंट्स लिए फिर थ्री लिए ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है सो दिस इज यू नो एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी का फॉर्मूला है अगर तीन इवेंट है और हमें ये निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपन्स तो ये फॉर्मला यूज होगा तीन इवेंट का मतलब हो गया ए बी सी है ये राइट right? तीन के अंदर तो मेरे को ये वाला पार्ट है मीन से मुझे याद नहीं आ रहा तीन वाला क्वेश्चन अभी आया दो वाला तो कई बार आया आता ही है ये वाला पार्ट है इधर ए और बी और ए बी और बी सी और सी ए और ऑल थ्री टुगेदर कम से कम एटलीस्ट कोई ना कोई इवेंट तो है बनो खाली ए हो जाए खाली बी हो जाए खाली सी हो जाए ए बी हो जाए बी सी हो जाए सी ए हो जाए ऑल थ्री हो जाए ये है प्रॉबलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इन केस ऑफ थ्री इवेंट्स

ये जीरो पॉइंट टू है तो बिल्कुल मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये हमें निकालना है प्रॉबल्टी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रॉबल्टी बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे निकालना है वन माइनस प्रॉबल्टी ए राइट कॉम्प्लीमेंट की प्रॉबर्टी क्या होती है वन माइनस पी ए और मुझे निकालना है वन माइनस पी बी इनका सम निकालना है तो इको मैंने लिख लिया टू माइनस पी ए प्लस पी बी और ये पी ए प्लस पी भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा क्योंकि जो रिलेशनशिप गिवन है इसको मैं अगर एक्सपेंड करके लिखता हूँ प्रॉबर्टी ए यूनियन बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स इसका क्या मतलब है ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला था पी ए प्लस पी बी माइनस प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन बी ये फॉमूला था अभी मैंने बताया पिछले शीट पर जीरो पॉइंट सिक्स है ये मेरा क्या है प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन बी है दोनों को मैंने ऐड कर दूँ दोनों को ऐड कर दिया कैलकुलेशन उर्ली कर सकते हैं दोनों को ऐड करा तो 0.8 आया क्या आया पी ए प्लस पी भी आ गया एड करके ऐड राइट लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी लेकिन लिख देता हूँ अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि 0.8 हो गया राइट और यहाँ मैं जब रिप्लेस करूंगा 0.8 तो 2 माइनस जीरो पॉइंट एट इट कम्स आउट टू बी वन पॉइंट टू सी चॉइस राइट सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इवेंट्स सो दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इवेंट्स ए एंड बी आर टू इवेंट्स प्रॉबलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दैम अकर्स इज गिवन बाई एग्जैक्टली वन ऑफ देम जो हम बात कर रहे थे तो क्विकली एग्जैक्टली वन ऑफ दैम मतलब ये वाला पार्ट है मैंने वन डाग्राम बनाया ये पार्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ देम ये वाला पार्ट या तो ए या फिर बी एग्जैक्टली वन ऑफ देम और ये हमने देखा ये देखो ये डेफिनेशन तो अभी मैंने बताया था ये तो बाय डेफिनेशन है देखो अब ये क्या है ओनली ए है खाली इवेंट हैपन हो रही है बी नहीं हो रही और ये क्या ओनली बी है दोनों को ऐड करेंगे तो एक्जैक्टली exactly वन बनता है पहले भी लिखा था मैंने राइट एक्जैक्टली वन बनता है अब इसको देख रहे हैं ये मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको एग्जैक्टली exactly वन है ये क्योंकि इसी को मैंने इसी को ओनली ए को लिख दिया था दोबारा देख लेते हैं यहाँ जो ये डेफिनेशन तो याद रखनी है ये तो नहीं अगर ये याद नहीं है तो समझ ही नहीं आया इसको मतलब आपको तो बेसिक डेफिनेशन है ओनली ए प्लस ओनली बी इसको मैंने लिख के दिखा था कि पी ए माइनस प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी लिख लिया ए में से माइनस कर दिया कॉमन पार्ट तो ओनली ए हो गया और बी में से माइनस कर दिया जो ए और बी का कॉमन पार्ट है तो आपने ओनली बी कर दिया ओनली ए प्लस ओनली बी तो ये ऐड करके मेरी ये चॉइस मैच कर रही है देखो आप ये चॉइस मैच कर गई है फिर मेरे को ये देखना है ये देखो आप प्रॉबर्टी ए यूनियन में से माइनस कर दूंगा मैं दोनों पार्ट पहले मैंने इसको ये ऐड किया इसमें तो ये क्या बन गया ब्लू के साथ मैंने पिंक शेडिंग ऐड कर दी तो मेरा बन गया प्रॉबलिटी ए यूनियन बी राइट ये ए यूनियन बी है इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ पिंक शेडिंग दैट इज़ ए इंटरसेक्शन भी माइनस करूंगा तो क्या आ गया मेरा ये मेरी ब्लू शेडिंग आ गई ब्लू शेडिंग मतलब ये जो मैं चाहिए था ओनली एक्जैक्टली वन आ गया तो मैंने अगर मैं इसको इसको कई बार ऐसे भी करते हैं हम सॉरी कि अगर मैं इसको अगर अगर आप ये देखो मुझे क्या चाहिए कि इसको एक और तरीका बता रहा हूँ बहुत काम का तरीका है वन है ये टू है थ्री है शायद पढ़ाओ आपने पहले वन टू थ्री मार्क कर लिया तो मुझे देखना है कि ये क्या है प्रॉबर्टी ए यूनियन बी क्या है वो है वन प्लस टू प्लस थ्री रीजन वन रीजन टू रीजन थ्री है ये ये प्रॉबर्टी ए यूनियन बी है इसमें से माइनस कर दो प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट ये पता होना चाहिए प्रॉबर्टी इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी है ये अगर टू ये को माइनस कर दिया वन प्लस टू प्लस थ्री में से टू को माइनस करेंगे तो वन प्लस थ्री बच गया और वन प्लस थ्री क्या 1 3 तो है वन प्लस थ्री तो वही है जो हमें चाहिए ओनली ए प्लस ओनली बी है देखो आ गया तो ये चॉइस मैच कर गई है तो ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं यही टेक्निक हम डी चॉइस में लगाएंगे डी चॉइस थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सब कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है सारे जो प्रॉबर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखी है तो हम क्या करेंगे मैं दोबारा इधर बना देता हूँ मैं डायग्राम इस साइड पर ये ए है ये बी है मैंने सारे एरिया मार्क कर लिए वन टू थ्री फोर राइट right? अब मुझे देखना मुझे ये वन प्लस थ्री चाहिए मुझे वो तब मैं टिक करूंगा ये ओनली ए प्लस ओनली बी चाहिए अब ये वन प्लस थ्री बन रहा नहीं बन रहा वो देख लेते हैं मैं रिप्लेस करना शुरू करता हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइट right? मैंने रिप्लेस करना शुरू किया ए कॉम्प्लीमेंट क्या है जो ए कॉम्प्लीमेंट है मैं जो ए के बाहर है ये ए है ये बी है ए के बाहर जो पार्ट है सारा ये कॉम्प्लीमेंट है ये देखो ए के बाहर वो हो रहा है थ्री प्लस फोर राइट फिर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए जो बी के बाहर वाला सारा पार्ट है वो ये देखो ये वाला पार्ट आ गया वो आ गया वन प्लस फोर वन प्लस फोर है इसमें से माइनस करना है हैं टू टाइम्स नीदर ए नरबी ना तो ए ना भी वो कौन सा पार्ट है नीदर ए नरबी वाला पार्ट ये है देखो बिल्कुल ये वाला पार्ट है जिसको मैंने नंबर फोर से मार्क किया है रीजन फोर से मार्क किया है इसको मैंने फोर लिखा है ये फोर है अब देखो आप थ्री प्लस फोर प्लस वन प्लस फोर माइनस टू टाइम्स फोर तो क्या बचा थ्री प्लस वन वही चाहिए थ्री प्लस वन मतलब वो आ गया जो हमें चाहिए वही आ गया एग्जैक्टली exactly वन आ गया तो ये जो रीजन मार्क करके हमने सारे रीजन को मार्क कर दिया मार्क करने के बाद हमने हर जगह इसको रीजन के फॉर्म में वो कर दिया रीजन के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया तो बड़ा इजी पड़ जाता है देखना कि करेक्ट चॉइस है नहीं है रीजन मार्क करके रीजन के फॉर्म में इस चॉइस को देखा तो समझ आ गया वन प्लस थ्री है मतलब एक्जैक्टली वन है तो इसमें देखेंगे चारों चॉइस करेक्ट हैं इसके अंदर चारों एक्जैक्टली वन है ये नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया है कैसे इसको हमें फिगर आउट करना है दिस इज uh, this 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 question is from uh, VMC material. तो नहीं है कोई बात नहीं अगर आपने पास नहीं है आपके पास material, you can still see the question here. So A and B are two events हैं and probability that at most one of A and B occurs is at most one. At most one मतलब maximum एक event होनी चाहिए तो at most one में क्या आ गया? Exactly one आ गया और none आ गया ये आ गया. At most one अगर मैं at most one लिखता हूँ कॉमन सेंस से देखना है इसमें कोई प्रोबेबिलिटी uh, नहीं है एटमोस्ट वन में क्या आ रहा है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन प्लस प्रोबेबिलिटी नन कोई इवेंट हैपन नहीं हो रही और प्रोबेबिलिटी एक्जेक्टली वन अभी हमने देखा है कि एक्जेक्टली वन दो तरह से हो सकता है ए इवेंट हैपन हो रही है बी नहीं हो रही है या फिर ए नहीं हो रही है बी हो रही है ओनली ए प्लस ओनली बी है या फिर दोनों में से कोई इवेंट हैपन नहीं हो रही है नन ऑफ एंड एन है ये है ये अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए तीनों का समझा वो मोस्ट वन है तो इसमें से एक चॉइस तो ये बन गई सीधा देखो यही मैंने जो लिखा वही बन रही है अब मुझे बाकी चॉइसेस देखनी है तो मैं वेड डायग्राम बनाया मैंने एटमोस्ट वन का मैंने रीजन मार्क कर दिए सारे वन टू थ्री फोर मुझे क्या चाहिए जो एटमोस्ट वन है वो क्या है उसमें वन है प्लस थ्री है प्लस फोर है मुझे जो चॉइस ही वन प्लस थ्री प्लस फोर बन रही है वो मुझे चाहिए राइट इसको वन ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो सर्कल डाल के एक ही मतलब है जो भी मतलब सर्कल बनाने में टाइम वेस्ट होता है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ वन प्लस थ्री प्लस फोर ये चाहिए मुझे कौन सी चीज य चॉइस मिल रही है ये तो हमने देख ही चुके हैं अब देखते हैं वन में से माइनस कर दिया ये तो ऐसे ही दिख रहा है वन में से माइनस कर दिया नन वन में से ये पार्ट माइनस कर दिया मतलब वन मतलब हो गया सारा का सारा रीजन वन ये होता है सारा पार्ट वन है वन में से माइनस कर दिया क्या प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट माइनस करना है ये हर एक की डेफिने पता होना चाहिए कौन सा पार्ट क्या है देखो ये इंटरसेक्शन बी है ये माइनस करा है आपने तो क्या बना वन प्लस थ्री प्लस फोर बन गया यस करेक्ट होगा ये चॉइस करेक्ट हो, हो गई क्योंकि जो भी वन प्लस थ्री प्लस फोर बन रहा है उसे मुझे करेक्ट करना है उसको मुझे टिक करना है अब मैं को ये देखता हूँ मैं ये भी मैं सब क्विकली रिप्लेस कर देता हूँ एक ए कॉम्प्लीमेंट जो ए के बाहर है ये मेरा ए सर्कल था ये बी सर्कल है ए के बाहर थ्री प्लस फोर है पहले भी देखा था हमने और मेरा बी के बाहर है वन प्लस फोर देख सकते हैं इस डायग्राम में जो बी में नहीं है इस सर्कल के बाहर जो भी रीजन है वो मार्क करो वो वन बचता है और फोर बचता है माइनस कर दिया ये देखो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब फोर हो गया तो ये माइनस करेंगे तो क्या बचा थ्री बचा यहाँ पे एक फोर कैंसिल हो गया वन बचा प्लस फोर बचा ये चॉइस भी करेक्ट हो गई चॉइस भी करेक्ट हो गई ये बी चॉइस थी ये भी करेक्ट हो गई राइट ये करेक्ट है फिर मैं सी चॉइस देख लेता हूं सी में सी और बी ऑलमोस्ट सेम है देखो मेरे देखने की जरूरत नहीं है देख लिया आपने सी क्या है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मैंने यहां से इस वाले पार्ट में देखो सी के अंदर मैंने माइनस कॉमन लिया तो रह गया वन माइनस प्रॉबलिटी ए यूनियन बी अभी हमने देखा था ये क्या बनता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ये बनता है माइनस प्रॉब्ल्टी नन ऑफ एन बी ये नन बन जाता है वन में से माइनस करेंगे एटलीस्ट वन ऑफ इन भी नन बन जाता है देखना मुश्किल हो रहा है अभी देखो ये मैंने फेस इधर कर लिया नन हो गया ये नन ऑफ एंड बी ये ये नन ये नन हो गया तो ये क्या बना यही तो हमें ये 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 जो ये चॉइस सेम ही बन गई देखो बी और सी बी और सी सेम चॉइस से बन रही है तो हमने उसको टिक कर लिया या फिर अगर देखो इस चक्कर में नहीं पढ़ना तो सी को अलग से देख लो मार्क करके एक जो ए के बाहर है ए के बाहर है थ्री प्लस फोर जैसे पहले देखा था हमने फिर मेरा बी के बाहर क्या है बी के बाहर है मेरा वन प्लस फोर की तरह से लिखो थ्री प्लस फोर वन प्लस फोर उसमें फिर मैंने ऐड कर दिया प्रॉबर्टी ए यूनियन बी ए यूनियन बी क्या है वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस वन वन क्या है अभी बाद में लिख लें वन इज ऑल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर सारे हैं वो तो ये क्या बना इसको मैं लिख लेता हूँ अगर वन को मतलब ये जो माइनस वन है वन क्या होता है सब सब मिला लो ये देखो आप ऐसे करके आपने करा ये कैंसिल हो गया वन बी वन ये कैंसिल किससे होगा वन बी वन टू थ्री कैंसिल हो गया फोर कैंसिल होगा क्या बचा थ्री प्लस फोर प्लस वन बचा मैच कर गया तो ये एक तरीका है आपको बेटर तरीका पता है उससे कर लेना बट दिस इज दिसे इजी होता है देखना सारी चॉइस कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सबको हम रीजन के फॉर्म में ला गए वन टू थ्री फोर के फॉर्म में ले आया और पता चल गया हमें ठीक है नहीं है तो ये चॉइस भी करेक्ट है सो इसमें चारों चॉइस करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन में भी सो so, ये क्वेश्चन है मैंने सॉल्यूशन है यहाँ पे आप जब नोट्स आएंगे आप देख लेना इसके अंदर भी हम टाइम बचाते हैं इसमें है कि तीन इवेंट है मैं क्विकली कर आइडिया दे देता हूँ कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर इन एग्जामिनेशन इन थ्री सब्जेक्ट्स ये तीन सब्जेक्ट में उसने अपेयर करना है इंग्लिश में मैथ है फिज़िक्स में उसके चांसेस ऑफ पासिंग इन जीस इन सब्जेक्ट जीरो पॉइंट फाइव है कि इंग्लिश में पास होगा जीरो पॉइंट सेवन है मैथ में पास होगा जीरो पॉइंट नाइन है कि वो फिजिक्स में पास होगा पास होने की हर सब्जेक्ट में प्रॉबिलटी गिवन है चांसेज गिवन है फाइंड द प्रॉबलिटी ही पासिस एन एटलीस्ट वन ऑफ देम एटलीस्ट वन ऑफ दैम दिखते ही एटलीस्ट वन ऑफ दे है तो प्रॉबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है और उसका जो फॉर्मला था टोटल प्रॉबिलिटी का यहाँ लिखा हुआ देखो मैंने पहले भी लिखा था अभी पढ़ा है ये मेरा फॉमला है देखो पूरा ये फॉर्मूला में सारी वैल्यूज प्लग इन करनी है तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं मेरी अब कैसे निकालना है इसमें वैल्यूज़ मेरी इसमें दूसरा तरीका ये भी दिया हुआ है ये निकाल के जो मैंने बताया था प्रॉबलिटी ए यूनियन यूनियन सी तो निकाल ही सकते हैं उसके लिए सारी प्रॉबलिटी चाहिए पी ए चाहिए गिवन है पी बी गिवन है पी सी गिवन है ये कहाँ से आएगा इसमें हम मान रहे हैं कि तो ये कई बार गिवन होता है क्वेश्चन में कई बार नहीं गिवन होता आप कॉमन सेंस से देखो कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि इंग्लिश में अगर वो फेल हो गया तो मैथ्स में उसको फ़र्क पड़ेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स मानना है एक दूसरे पे अभी पढ़ा नहीं है हमने आगे जाके आएगा ये इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है इंडिपेंडेंट है और कॉमन सेंस से भी है कि मैथ्स में फेल होना वैसे तो फर्क पड़ सकता है मैथ्स में फेल हो गया या इंग्लिश में फेल हो गया तो अगले सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है रियलिटी में डिपेंडेंट है वो लेकिन अब यहाँ पर लिखा होना चाहिए एग्जाम में यहाँ इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट लिखा होगा ऑल उसके हर सब्जेक्ट में पास होने के जो चांसेज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में अभी हमने आगे जाके आ रहा है ये क्वेश्चन पहले आ गया है कि जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन भी जो प्रॉबर्टी ऑफ देयर हैपनिंग टुगेदर है उनकी प्रॉबर्टीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं

अगर प्रॉब्ल्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इंटरसेक्शन का साइन है तो इंडिजियल प्रॉबर्टी को मल्टीप्लाई कर दो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे जो मैंने पहले भी फॉर्मला बताया था प्रॉबल्टी एटलीस्ट वन है एटलीस्ट वन इज वन माइनस प्रॉबर्टी नन तीनों में से किसी में पास नहीं हुआ ठीक है एटलीस्ट किसने किसी में पास होना मतलब वन माइनस तीनों में से किसी में पास नहीं हुआ ये इजी पड़ता मतलब है मैथ में पास नहीं हुआ तो वन माइनस इंग्लिश में पास नहीं हुआ तो वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव ये पास होने की प्रॉब्लिटी है तो इंग्लिश में फेल हो गया मतलब वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड विथ मैथ में फेल हुआ है मैथ में फेल होने की प्रॉब्लिटी क्या वन माइनस जीरो पॉइंट सेवन है फिर वो फिजिक्स में ही फेल हो गया वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन है तो पास होने की प्रॉब्लिटी को मैंने वन में से माइनस करा तो फेल होने की प्रॉब्लिटी आ गई प्रॉब्ल्टी इंग्लिश में फेल होगा प्रॉब्लिटी मैथ में फेल होगा प्रॉबलिटी फिजिक्स में फेल होगा तो ये थोड़ा इजी पड़ता है कैलकुलेशन अब ये एच वाला फॉर्मला लगाएंगे हाँ जो लिखा हुआ है लेंदी है तो ऑल्टरनेट वे इजी है अब बी पार्ट क्या है इसका ही पासिस एग्जैक्टली इन टू सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली टू है तो ये देखो अभी हम एग्जैक्टली exactly टू को कैसे करेंगे हम ये तीन इवेंट वाला क्वेश्चन था तो मैंने आइडिया देने के लिए आपको अभी तीन इवेंट का भी थोड़ा आइडिया लग जाए कैसे करना है एग्जैक्टली टू में पास हो रहा है तो मैं अगर ये वे डायग्राम बनाता हूँ इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना कोई प्रॉबलिटी है नहीं इसमें ये कंपाउ हैं बेसिकली ये एग्जैक्टली टू मतलब दो प्रॉब ये हो गया कि ए और बी में पास हो रहा है लेकिन सी में पास नहीं हो रहा एग्जैक्टली exactly टू मतलब इंग्लिश और मैथ में पास हुआ और आ, फिजिक्स में फेल हो गया या फिर हो सकता है इंग्लिश और आ, ये देखो आप इंग्लिश में और फिजिक्स में पास हुआ मैथ में फेल हो गया तीसरा केस बनता है वो एग्जैक्टली exactly टू में ये तीसरा केस ये बनेगा कि आ, ये ये वाला केस है फिजिक्स और मैथ में पास हो रहा है इंग्लिश में फेल हो गया तो ये ये लेना है राइट ये हमें करना है एग्जैक्टली exactly टू आ गया ये और एग्जैक्टली इसके पास वैल्यू रिप्लेस करना ईजी है ये आ गया प्रॉबलिटी ऑफ मैथ में पास हो रहा है राइट तो जीरो है वो फिर इंग्लिश में ये पहले ऐसे लिख लो बा वैल्यू तो आप रिप्लेस कर दोगे इंडिविजुअल प्रॉबर्टी को मल्टीप्लाई करना है पी ए प्लस पी बी मल्टीप्लाई विद पी सी कॉम्प्लीमेंट सेम हेयर पी ए मल्टीप्लाई विथ बी कॉम्प्लीमेंट की प्रॉबल्टी मल्टीप्लाई विद प्रॉबर्टी ऑफ सी सेम हेयर प्रॉबल्टी ए कॉम्प्लीमेंट प्रॉबलिटी बी प्रॉबल्टी सी ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो ये एक्सैक्टली टू एक्टली टू दो होना और तीसरा ना होना वो तीन तरह थीन से हो सकता है ए बी बट सी नॉट है एड कर दिया एक्जैक्टली टू सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल प्रॉबर्टी सो सो कंडीशनल प्रॉबर्टी मीन्स वी हैव टू फाइंड प्रॉबर्टी ऑफ एन इवेंट से ए गिवन दैट दिस फॉरवर्ड स्लैश मीन्स गिवन स्लैश फॉरवर्ड की तरफ एक बैक स्लैश या बैक स्लैश होता है वो नहीं फॉरवर्ड स्लैश गिवन दैट बी इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इसका मतलब क्या है? फाइन प्रॉबर्टी ऑफ ए और प्रॉबर्टी ऑफ ए प्रॉबर्टी ऑफ एवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इवेंट भी हैपन हो चुकी है एंड वी हैव टू फाइंड प्रॉबलटी ऑफ इवेंट है सो दैट्स अ कंडीशन ए कंडीशन इज गिवन दट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड सो वी हैव टू फाइन कंडीशन प्रॉबर्टी तो उसका फॉर्मला होता है मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कंडीशन प्रॉबर्टी का फॉर्मला ये होता है एक एलिमेंट वाला फॉमला होता है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन इज फॉर एलिमेंट्स जो कॉमन है सेट है और ए और बी में डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट भी ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं और डिवाइड करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइड बी डेट्स ए कंडीशन प्रॉबर्टी फॉर्म ना इन एलिमेंट्स फॉर्म हाँ प्रॉबल्टी के फॉर्म में आएगा तो इसी को ऐसे कर लेंगे न्यूमरेटर में आएगा ऑफ ए इंटरसेक्शन भी प्रॉबल्टी ए अकर्स एज वेल एज बी अकर्स एंड बी हैपन टूगैदर दैट्स अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज प्रॉबल्टी ऑफ इवेंट भी ये डिनोमिनेटर है तो ये कुछ है नहीं इसमें फॉर्मले दो हैं कंडीशन में तो ये दो फॉर्मले को पता होने चाहिए कि अंडर अ कंडीशन निकालनी है और कंडीशन क्या है कि दूसरी इवेंट जो हैपन हो चुकी है ये गिवन है कि दूसरी इवेंट हैपन हो चुकी है तो हम ये फॉर्मुला दो फॉर्मले हम लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस में इजी पड़ता है प्रॉबर्टी के फॉर्म में ईजी पड़ता है एलिमेंट के फॉर्म में ईजी पड़ता है वन ऑफ दिस टू फॉर्मलाज वी यूज फॉर कंडीशन प्रॉबर्टी सो दिस इज एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कंडीशन प्रॉबर्टी यू नो हाउ टू अप्लाई ऑफ कॉन्सेप्टन प्रॉबर्टी दट एम सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चन सो दिस इज ए एन बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रॉबर्टी ऑफ ए इज हाफ ये में गिवन है लेट्स नॉट राइट इन लेट्स नॉट राइट इन सेव टाइम प्रॉबर्टी हाफ है प्रॉबर्टी बी वन बाय थ्री है प्रॉबर्टी ए इंटर सेक्शन बी जो है वन बाय फोर है इस पर क्वेश्चन आया है इस बार कंडीशन प्रॉबर्टी में ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया अभी देखते हैं तो ये तो मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन पिक है कि आपको कॉन्सेप्ट देख लो फॉर्मला अप्लाई करना है प्रॉबर्टी ए इंटर सेक्शन बी है और सारी वैल्यूज प्रॉबर्टी की फॉर्म में गिवन है प्रॉबर्टीज़ की फॉर्म में गिवन एलिमेंट्स की फॉर्म में गिवन नहीं है तो मैं प्रॉबर्टी का फॉर्मला फॉर्मला लगाऊंगा प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉबर्टी बी डायरेक्ट फॉमूला लगाना है जो भी पिछली शीट पे बताया है ये वन बाई फोर प्लग इन कर दिया और प्रॉबर्टी बी को वन बाय थ्री प्लग इन कर लिया तो थ्री बाय फोर हो गया ये राइट तो बी पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट है प्रॉबर्टी बी गिवन है अब प्रॉबर्टी बी की निकालनी है कंडीशन है ए इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड तो फॉर्मला ही लगाना है आपने को सोचना नहीं है क्या हो रहा है उठा के फॉर्मला छेप दिया आपने देखो ये न्यूमिनेटर वन बाई फोर गिवन है और डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है हाफ गिवन है तो आंसर हाफ आ गया नौ थर्ड पार्ट था इसका फॉर्मला लगाना है प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी ए कॉम्प्लीमेंट बस कोई फॉर्मला लगाना है प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी और इस केस में भी हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स मान रहे हैं तो न्यूमिनेटर मेरा आ गया प्रोबेबिलिटी राइट right? तो एक एक चीज़ और देख सकते थे इसमें चलो अभी देख लेते हैं ए एंड बी आर टू इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे अगर आपने निकालना है तो ऑप्शन इसमें ये कर सकते हैं या इसमें जरूरत नहीं है हमें इंडिपेंडेंट की इसमें ऐसे कर लेंगे इसमें कि अब ये निकालना है न्यूमरेटर में कि ओनली न्यूमरेटर में हमें चाहिए ओनली बी देखे देखा अभी हमने पढ़ा है हमने ओनली बी है ये बी है तो उसको मैं लिख सकता हूँ प्रॉबलिटी बी में से माइनस कर दिया प्रॉबलिटी ये आ गया देखो डिवाइड प्रॉबलिटी बी बी में से माइनस कर दिया और बी का कॉमन पार्ट है डिवाइड प्रॉब्लिटी ऑफ इवेंट बी तो ये मेरा जो बनेगा पी बी रिप्लेस कर दिया वन बाय थ्री है प्रॉबर्टी ये वन बाय फोर है डिवाइडेड बाय प्रॉबर्टी ऑफ बी दैट इज वन बाय थ्री ये मेरा आंसर आ जाएगा यहां सर फोर्थ पार्ट में देखता हूं फोर्थ पार्ट है मेरा वो अब ए कॉम्प्लीमेंट आई प्रेफर राइटिंग लाइक दिस गिवन बी कॉम्प्लीमेंट तो न्यूमरेटर में आ गया नीदर ए नर बी ये वाला पार्ट है राइट एंड देन डिनोमिनेटर में आ गया प्रॉबर्टी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट न्यूमरेटर में कैसे लिख सकता हूँ नीदर ए नर बी वन में से माइनस कर दिया प्रॉबर्टी ए यूनियन बी है राइट डिवाइड प्रॉबलिटी ऑफ बी इसको मैं लिख सकता हूं वन माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये सारी वैल्यूज पता है मुझे प्रॉबलिटी ऑफ इवेंट बी आई प्लग इन एंड फाइंड द आंसर ये yeah. राइट right, तो मैंने फॉर्मले लगाए हैं और साथ में जो कंपाउंड इवेंट्स की चीजें थी क्योंकि कंपाउंड इवेंट्स इन्वॉल्व है वो हमने करा है ये अगर देखो आप अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता तो अब ऐसे लिखा नहीं है तो मानना नहीं चाहिए गलत हो सकता है क्वेश्चन तो फिर तो आपका सीधा ये अब ये क्या बनता है अगर केस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन केस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट मैंने बताया इंडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है तो हम सीधा फॉर्मूला बता दिया था क्या है तो अगर ए ओर भी इंडिपेंडेंट है इनके मतलब अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट है कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट है तो फिर ये क्वेश्चन बनता ही नहीं इतना देखो खास फिर तो ये हो गया प्रॉबर्टी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट इसमें मैंने फॉर्मला लगाया प्रॉबर्टी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय बी कॉम्प्लीमेंट और फिर सीधा मैंने इसको लिखा प्रॉब्ल्टी ए कॉम्प्लीमेंट राइट मल्टीप्लाइड विथ प्रॉबर्टी बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई प्रॉबर्टी बी कॉम्प्लीमेंट तो इस केस में तो ये कैंसिल होकर प्रॉबर्टी ए कॉम्प्लीमेंट आ देखो आगे देखो आप लेकिन तभी करेंगे जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट में है नहीं तो नहीं करेंगे गलत आंसर आ जाता है ध्यान रखना इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस गिवन होगी तभी हम ऐसे करेंगे इन केस इट इज इंडिपेंडेंट इन केस ये नहीं है तो हमें फिर जैसे मैंने किया वैसे करना पड़ेगा मान नहीं सकते इवेंट्स इंडिपेंडेंट है I will move forward. This is uh, another question based on uh, uh, <clears throat> illustration 12 by module and VMCK. This is uh, question dekharam, dekharam, Right? If two events A and B, if two events A and B are such that probability A complement given ko, 0.3, probability B given me. Ko, 0.4 और ये अंडरस्टूड है कि मुझे प्रोबेबिलिटी ए 0.7 आ गया वन में से माइनस करके इस केस में प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट 0.6 आ गया देखते हैं अभी क्या चाहिए क्वेश्चन और साथ में मुझे गिवन है प्रोबेबिलिटी ओनली ए हैपनिंग बी नॉट हैपनिंग इज ओनली ए वी इज ऑलरेडी डिस्कस दैट 0.5 अभी पढ़ के आए हैं ये ओनली है ये जीरो है ये सारी प्रॉबर्टीज गिवन है क्वेश्चन में निकालना है मुझे क्या है मुझे ये निकालना है प्रॉबलिटी ऑफ कंडीशन प्रॉबल्टी निकालनी है बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये देखो आप बड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन हमें तो फॉर्मला लगाना है और हमने कंपाउंड इवेंट्स भी यूज करना है बी का इंटरसेक्शन लेना है किससे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से union, ये थोड़ा समझना पड़ेगा अभी हमें क्या है डिवाइडेड बाय प्रॉबर्टी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है डिनोमिनेटर में तो हम फॉर्मला लगा देंगे यूनियन वाला एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी वाला पी ए प्लस पी बी बी कॉम्प्लीमेंट सॉरी पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो फॉर्मला था मेरा फॉर्मला मैंने ए यूनियन बी पे लग, पढ़ा था मैंने अब ए यूनियन बी ए या ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है फॉमूला सेम रहेगा राइट जो फॉर्मला हमारा ये पढ़ा था हमने जो मेरा फॉर्मला ए यूनिय बी में ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे इस प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रॉबर्टी ए इंटरसेशन बी यूज़ भी किया था हमने एक क्वेश्चन में यह फॉर्मला बस में अगर बी की जगह बी कॉम आइडेंटिटी है इसमें ए की जगह कोई भी इवेंट रिप्लेस कर सकते हो तो बी की जगह कोई भी इवेंट रिप्लेस कर सकते हो तो बी की जगह बी कॉम्प्लीमेंट रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे भी देखो सब जगह यहां भी करना पड़ेगा है। तो ये मैं फॉर्मुला यूज कर रहा हूं और मैं ये इसकी इजीली निकाल वैल्यूजा क्योंकि मेरे को सारी प्रॉबर्टी पता है डिनोमिनेटर तो मेरा आ गया देखो कैसे ये मुझे पता है पी ए क्या है गिवन है क्वेश्चन में निकाल लिया हमने कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाल लिया है जीरो पॉइंट सिक्स है माइनस और हमने प्रॉबर्टी ए ये हमें गिवन है जीरो पॉइंट फाइव तो ये डोमीटर तो आ गया 0.8 ये तो आ गया अब न्यूमनेटर निकालना है मुझे न्यूमिनेटर को एक बार को समझना पड़ेगा ऐसे तो करना मुश्किल होगा कि मेरे को ये क्या है राइट क्या अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन ही नहीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता मैं तो सेंस ही नहीं बनती फिर वो ये मुझे बी का इंटरसेक्शन लेंगे ये क्या है देखो आप राइट तो हम अगर मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ ये बनेगा प्रॉबलिटी ए इंटरसेक्शन भी देखो आप ये बनेगा राइट ये बनेगा प्रॉबल्टी ए इंटरसेक्शन भी तो ये ऐसे बन रहा है मिनट uh... तो अगर आप देखोगे बी ए दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मैं नंबरिंग कर दूं वही जैसे पहले कर रहा था वन टू थ्री फोर राइट तो मुझे अब मेरे को देखना है अब मेरे को ये लिख रहा हूँ बी क्या है बी मेरा है ये ए है और ये बी है b है थ्री प्लस फोर है राइट जो मैं b को लिखा है थ्री प्लस फोर और मुझे b देखना है साथ में मुझे देखना है ये देखो क्या है a एट लीस्ट वन ऑफ ए और b कॉम्प्लीमेंट ए भी ले लो b कॉम्प्लीमेंट ले लो कॉमन कॉमनमेंट एटलीस्ट के मतलब कम से कम इनमें से कुछ तो लो तो मैं लिख रहा हूं a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट राइट right? तो उसमें क्या आएगा a आएगा पूरा टू प्लस थ्री आ गया b कॉम्प्लीमेंट आएगा बी कॉम्प्लीमेंट b के जो भार है वन प्लस वन प्लस टू है बी कॉम्प्लीमेंट क्या वन प्लस टू टू प्लस थ्री ये है और टू प्लस थ्री मैंने लिया ए यस बी कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने बी के जो भाव वाला पार्ट है वन प्लस टू लिया राइट right? और मैंने फिर साथ में और या दोनों अब जो को रिपीट हो रहा है उसको हटा दो दोबारा आ रहा है टू तो हटाना पड़ेगा तो वो आ रहा है टू प्लस थ्री प्लस वन आ रहा है ये है इसका कॉमन पार्ट इससे लेना है तो थ्री कॉमन पार्ट है दोनों का देखो थ्री प्लस फोर का कॉमन पार्ट है टू प्लस थ्री प्लस वन दोनों में कॉमन क्या है इंटरसेक्शन मतलब में तो कॉमन लेना है दोनों में कॉमन थ्री है थ्री रीजन दोनों में कॉमन है और थ्री क्या है मेरा ए इंटरसेक्शन भी है ये थ्री है इंटरसेक्शन भी है राइट right? तो मैंने नंबर से एक बताया है तो ईजी पड़ता है मैथमेटिकल सोचना नहीं नहीं तो आप यहाँ भी ऑब्जर्व भी कर सकते थे ये मेरा ए है अगर मेरे को ये मेरा मुझे लेना है ये लेना था हाँ मेरा बी ये है बी के साथ देखना कॉमन पार्ट कौन सा है और मेरा बी का इंटरसेक्शन लेना है ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए ये है फिर उसका बी कॉम्प्लीमेंट साथ यूनियन लेना है फिर देखना दोनों में कॉमन क्या ये वाला पार्ट कॉमन आ जाता है ऐसे ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं राइट जो आप अगर ये ए, ए, एक को अपने एक एक शेडिंग से प्लॉट कर दिया दूसरे को दूसरी शेडिंग से प्लॉट कर दिया कॉमन शेडिंग देख ली तो लेकिन वो थोड़ा वेंडाइग्राम पे शेडिंग करने के लिए डिफरेंट कलर का पेन चाहिए आपको वो थोड़ा मुश्किल होगा या माइंड में रिटेन करके रखना पड़ेगा ऐसे मैंने ये बी की जो ए बी की शेडिंग करी है मैंने इससे कर दी देखो और मैं फिर मैं बाकी जो शेडिंग करूँगा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की इसमें ए आ गया पूरा और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया बी के बाहर वाला पार्ट ये आ गया तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पिंक शेडिंग में और ऑरेंज शेडिंग में ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ऐसे भी देख सकते हैं शेडिंग से जो भी आपको मेथड मैस्ट, बेटर लगता है ए इंटरसेक्शन भी आ गया अब ए इंटरसेक्शन भी हम निकाल लेंगे राइट वो कैसे निकालेंगे पहले भी हमने बात की थी प्रॉबल्टी ए प्रॉब्ल्टी ए में से माइनस कर दिया ओनली ए ये देखो ये कर दिया ए में से माइनस कर दिया ओनली ए तो क्या बचा कॉमन बी के साथ बन गया प्रॉबलिटी ए इंटरसेक्शन भी बच गया देखो आप ये था राइट इज इज इट इज इट फाइन क्या किया मैंने ये मैं अलग से यहाँ करके दिखा देता हूँ कि मैंने ये ए इंटरसेक्शन भी निकाला कैसे है ये मेरा है ये मेरा ए है जो मैंने शेडिंग लिख के कर लेते नंबर से मेरा जो ए है ये वन और टू डाला है मैंने ए है मेरा राइट वन प्लस टू राइट और मेरा ओनली ए क्या है ये है ओनली ए कि मेरा वन है डायग्राम में अब दोनों को मैं सपरेट करूंगा तो क्या बचेगा टू बचेगा टू चाहिए था मुझे राइट टू चाहिए था मुझे ये वाला पार्ट चाहिए दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए मुझे ई और बी का ये चाहिए ये कैसे निकाला मैंने वन प्लस टू में से वन माइनस कर दिया और वन प्लस टू भी, भी हमारे पास वन प्लस टू ए है ये है वन प्लस टू ये है हमारे पास और ये भी है मेरे पास ये वन बी है मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में तो डिफ्रेंस लेकर टू आ गया तो पी ए प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट है इज जीरो पॉइंट सेवन माइनस ओनली ए जीरो पॉइंट फाइव तो ये जीरो पॉइंट टू डिवाइड बाई जीरो पॉइंट एट है राइट तो ये दो क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर लिए तो आपका काफ़ी पार्ट हो जाएगा शायद वाला पार्ट मेरा अगर छुप गया था नहीं नज़र आया तो मैं यहाँ मैंने ऊपर कर देता हूँ तो आप देख लेना ये वाला पार्ट ये है मेरा जो मैंने यहाँ निकाला था कभी बताया था मैंने कैसे इनको दोनों को लिख के दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो अगर रह गया था ये बी का और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कैसे लिया मुझे यहाँ चाहिए था वो कैसे ए इंटरसेक्शन भी आया ये लिख के मैंने समझाया था बी को लिखा थ्री प्लस फोर इस डायग्राम में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा मतलब ए भी ले लिया बी कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया वो ये बनता है लेकिन जो कॉमन पार्ट है हटाना पड़ेगा दो बार मतलब दो टू टू टाइम्स आ गया उसको हटा दिया ये मेरा ये आ रहा है और ये आ रहा है दोनों में कॉमन देखा थ्री आ रहा है थ्री इज ए इंटरसेक्शन बी ऐसे हम यहाँ फिगर आउट किया था हमने सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन प्रॉबिलिटी एंड दिस इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन आता है कि अपने फॉमुलाई लगाना कुछ है नहीं इसमें तो क्वेश्चन सेज दैट वन टिकट इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम हंड्रेड टिकट्स और हंड्रेड टिकट्स पे नंबर लिखे हुए हैं ऐसे देखो इस तरह के नंबर लिखे हैं ज़ीरो जीरो जीरो वन जीरो टू टू डिजिट टू डिजिट नंबर लिखा है सब पे ज़ीरो थ्री जीरो फोर हालांकि ये सिंगल डिजिट है लेकिन सबके आगे जीरो लिखा हुआ है टिकट के ऊपर गोज़ अन अप टू नाइनटी नाइन अब टिकट एक्सपेरिमेंट किया है ये तो मेरा सेटअप है सेटअप है मेरा ये टिकट्स का मुझे एक्सपेरिमेंट करना है टिकट इज सेलेक्टेड एक्सपेरिमेंट है अब इवेंट क्या है इसकी हैिटी निकालनी है कंडीशनल प्रॉबिलिटी है इवेंट ये है प्रॉबलिटी ये बताओ कि एक्व टू सेवन गिवन बी इक्व टू जीरो नो वट इज ए एज प्रोडक्ट ऑफ ए लिखा हुआ है इसमें एज इज सम ऑफ द डिजिट्स सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द नंबर फाउंड ए है सम ऑफ डिजिट्स जो नंबर निकाला सम ऑफ डिजिट्स दो डिजिटों का सम कर दो अगर मेरा नंबर ये है एक्स वाई है तो डिजिट एक्स प्लस वाई करना है बी है प्रोडक्ट उनका है 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 तो अब ये कह रहे हैं कि 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 इसकी चांसेस क्या सम मेरा हो गिवन है कि प्रोडक्ट जीरो आ चुका है प्रोडक्ट जीरो आ चुका है दो टिकट हमने एक सेलेक्ट करी है उसमें दो डिजिट लिखे हुए हैं राइट उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ चुका है इसके चांसेस क्या है कि उनका सम सेवन है तो मैंने यहाँ पे फॉर्मुला लगा दिया राइट right? मैंने एलिमेंट वाला फॉर्मला लगाया लगाया इस बार कॉमन एलिमेंट क्या है ए इक्वल टू सेवन में डिजिट का सम सेवन होना चाहिए इंटरसेक्शन जो प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए न्यूमरेटर हो गया इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए डिजिट्स का प्रॉबलिटी नहीं एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो ये मुझे कैलकुलेट करना है मैंने एलिमेंट वाला फॉर्म यूज़ किया पी नहीं एनी यूज़ किया अब ये हमें कॉमन सेंस से निकालना है कैलकुलेशन से निकालना है कि ऐसी कितनी टिकट्स होंगी जिनमें सम ऑफ द डिजिट्स दोनों होने चाहिए ये भी होना चाहिए सम ऑफ द डिजिट सेवन होना चाहिए और प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए ऐसी कितनी टिकट हैं ये इसमें कोई प्रॉबलिटी नहीं काम आ रही पर वगैरह भी काम नहीं आता इसमें कॉमन लॉजिक काम आता है कॉमन सेंस काम आती है कैलकुलेशन कैलकुलेशन लॉजिक काम आता है कैसे कैलकुलेट करोगे तो मेरा ये है इसमें इसमें, इसमें कोई पढ़ाएगा नहीं आपको तो कॉमन सेंस है कि दो टिकट मेरी एक तो जीरो सेवन हो सकती है और या सेवनटी हो सकती है सम सेवन है और प्रोडक्ट जीरो है ये देखो आप अब कहोगे फोर्टी थ्री का सम सेवन है लेकिन प्रोडक्ट जीरो नहीं है राइट तो मैं सम सेवन तो सिक्सटी तो वन भी है सम सेवन है प्रोडक्ट जीरो नहीं है ऐसी टिकट है प्रोडक्ट जीरो है सम सेवन नहीं है ये नहीं लेंगे ये सम नहीं लेंगे दोनों होनी चाहिए प्रोडक्ट सेवन होना चाहिए और प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए और सम सेवन होना चाहिए दो टिकट है तो न्यूमरेटर मेरा टू आ गया और डिनमेटर में मुझे प्रोडक्ट मेरा ज़ीरो होना चाहिए ऐसे कितनी टिकट हैं खाली प्रोडक्ट देखने आएगा प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट आ रहा है तो ज़ीरो जीरो का प्रोडक्ट जीरो, जीरो होगा ज़ीरो वन होगा गोज़ ऑन जीरो नाइन होगा ये राइट या दस टिकट ये हो गई फिर मेरा टेन है एलेवन है गोज़ अप टू नाइन्टी है राइट तो नाइन टिकट्स ये हो गई तो ये काउंटिंग लॉजिक लगाना है इसमें कोई प्रॉ प्रोमेशन नहीं है और प्रॉबर्टी तो कंडीशन प्रॉबर्टी तो खत्म हो होकर जब आपने कंडीशन प्रॉबर्टी का फॉर्मला लगाया उतनी प्रॉबर्टी यूज़ हुई है इसके बाद न्यूमरेटर कैसे निकालना है डिनोमेटर कैसे निकालना है ये अपने काउंटिंग लॉजिक है कोई फॉर्मला भी यूज़ नहीं किया काउंट करा कॉमन सेंस लगाइए ऑब्जर्वेशन लगाइए अपने टू बाय नाइनटीन है तो ये थोड़ा ध्यान से जल्दी में गलत नहीं करना केसेस काउंट करने हैं केसेस एक भी मिस नहीं करना ध्यान से करना है तो टू बाय नाइनटीन हो गया तो एलिमेंट वाला फॉमूला लगाया तो मेरे को था उसको भी एक बार रिविजन हो जाए कि एलिमेंट फॉमूला कैसे लगाते हैं सो दिस इज नेक्स्ट पार्ट अभी एग्जाम्पल है अभी पढ़ा नहीं है हमने अभी तो एक बार मैं ये कर लेता हूँ तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देख रहे हैं uh, कि अगर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होती है राइट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ये है कि अगर आपको फाइंडिंग दिस इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फाइंडिंग प्रॉबर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम तो हम इसमें या तो हम अगर डिपेंडिंग अपॉन कि कई बार तो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को ये वाला फॉर्मूला यूज करके जनरली यूज कर लेते हैं जब ए एंड बी आर डिफाइंड अब डिटेल में जाने का टाइम नहीं है इसमें तो शॉर्ट में बता रहा हूं ऑन सेम सेटअप सेम सेटअप सेम सेम स्टेज सेम गो तो भी इतना ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं लेकिन ये फॉर्मूला है आपके पास एलिमेंट्स कॉमन ले लिया आपने और डिवाइड कर दिया एन एस से फॉर एग्जाम्पल आपने ये निकालना है डाइसिस डाई इज थ्रोन राइट सो वी हैव टू फाइंड प्रॉबलिटी ए इवेंट है इसके अंदर की ऑर्ड नंबर और बी है मल्टीपल ऑफ थ्री तो यहां पर हम ये निकालना है प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन भी तो यहां पर हम कोई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम नहीं यूज करेंगे डोंट यूज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम मैं पहले तो बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है जब भी प्रॉबर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स निकालना है जब भी ये निकालना होता है हमें तब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ होती है राइट तो फिर मैंने मतलब तो ये 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 जब भी ये निकालना है तो हमारी थियरम जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रॉबर्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अभी आते हैं उसके ऊपर तो मुझे लेकिन मेरा ये फॉमला भी था प्रॉबर्टी इंटरसेक्शन भी निकालने का अभी हमने पीछे देखा है ये कॉमन एलिमेंट्स देख के एनी इंटरसेक्शन भी मतलब जो टिपिकल फॉर्मूला है मेरा क्लासिकल डेफिनेशन में प्रॉबलिटी है ये भी तो है तो ये यूज़ कर सकते हैं यस ऐसे क्वेश्चन ये यूज़ करेंगे डाई थ्रो किया है एक ही चीज़ है डाई के पार्ट्स नहीं एक है एक ही एक्सपेरिमेंट है एक ही डाई थ्रो कर दिया वो ऑड नंबर भी हो सकता है या मल्टीपल ऑफ थ्री भी हो सकता है तो दोनों के कॉमन एलिमेंट देख रहे हैं कि ऑड नंबर भी हो और एज वेल एज वो मल्टीपल ऑफ थ्री भी हो ऐसे कौन से नंबर हैं जो ऑड नंबर भी हैं मल्टीपल ऑफ थ्री भी हैं डिवाइडेड बाय टोटल टोटल एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस तो ये तो क्या हो गया ए की तो नंबर है सिर्फ जो ऑर्ड नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ थ्री भी है राइट सो वन बाय सिक्स हो गया क्योंकि थ्री ऐसा एक नंबर है सिर्फ जो मल्टीपल ऑफ थ्री भी है ऑर्ड नंबर भी है दूसरा मल्टीपल ऑफ थ्री सिक्स होता है लेकिन वो इवन नंबर है तो ये हम ऐसे कर लेते हैं पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इज़ डिफरेंट वहाँ पर हम ऐसे नहीं करते कॉमन एलिमेंट निकाल के हम ये कहते हैं कि उस ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है कि आपको प्रॉबलिटी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है तो आप पहले प्रॉबलिटी ऑफ ए निकालो और फिर मल्टीप्लाई कर दो प्रॉबलिटी बी गिवन ए से ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉबलिटी बी के बने हाँ अगर तीन इवेंट हैं प्रॉबलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो इसमें एक बार हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इनको ये ऑर्डर में है ये सबसे पहले ये ये फर्स्ट स्टेज पे होगी सबसे पहले सबसे पहले ये इवेंट हैपन हो रही होगी फर्स्ट नंबर इसका होगा फिर बी इवेंट होगी फिर थर्ड होगी तो इवेंट राइट इवेंट की सीक्वेंस है यहाँ पे पहले बाद में और उसके बाद उसके बाद तो डिफरेंट ऑर्डर में है इवेंट्स आगे पीछे हैं एक साथ नहीं आगे पीछे हैं अलग अलग उस पर हो रही हैं अलग अलग गो पे हो रही हैं अलग अलग स्टेज पे हो रही हैं जैसे आपके टीवी सीरीज में एपिसोड है एपिसोड वन एपिसोड टू एपिसोड थ्री सो सारी इवेंट डिफरेंट एपिसोड्स पे डिफाइंड है तो यहाँ ऐसे हमने तो हम उसको ऐसे ऑर्डर में लिखना पड़ता है ऑर्डर में लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या चाहिए आपको ए चाहिए आपको क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉबर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स निकाल रहे हैं यू वॉन्ट ए टू हैपन यू वॉन्ट बी टू हैपन यू वॉन्ट सी टू हैपन यू वॉन्ट ऑल थ्री इवेंट्स टू हैपन सो दिस इज हाउ वी लर्न द फॉर्मला वी राइट प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट है वी वॉन्ट ए टू हैपन इन फर्स्ट स्टेज देन वी वॉन्ट बी टू हैपन इन second से राइट बी लेकिन साथ में ये भी लिखना पड़ता है मुझे नीचे कि इट इज गिवन that ए हैज ऑलरेडी अकर्ड क्योंकि मुझे ए ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है तो उसको ऐसे याद करते हैं फॉर्मूला को याद करने का तरीका है वो ए इवेंट जो आ चुका है उसको अपने पास रखते जा रहे हैं उसको हम कलेक्ट करते जा रहे हैं बी चाहिए मेरे को सेकंड स्टेज में आपने ए ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है फिर आपको सी चाहिए थर्ड स्टेज में थर्ड गो में और ए और भी पहले ही कलेक्ट कर चुके हो ए इंटरसेक्शन भी यहाँ आता है तो इस तरह से ये जो फॉर्मला चलता है इसे मल्टीप्लीकेशन थी कहते हैं ये चार इवेंट हैं तो मेरा फॉर्मला इस तरह से चलता है पहले मुझे ए होना चाहिए मेरा फिर मेरे को बी होना चाहिए मान के मेरा ए इकट्ठा कर चुका हूँ बैग में रख लिया मैंने मिल चुका है मुझे फिर सी चाहिए मुझे उसके बाद और ए और बी मेरे पास आ चुके हैं मुझे डी भी चाहिए मुझे चारों चाहिए जब डी मिल डी चाहिए तो मेरे ए बी सी मेरे पास ऑलरेडी आ, आ चुके हैं सो दिस इज़ द फॉर्मला इसे पैटर्न याद कर लिया आपने अलग से याद करने की ज़रूरत है दिस इज़ मल्टीप्लीकेशन थी राइट एंड इफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं अगर तो ये फॉर्मला सारा चेंज हो गया इंडिपेंडेंट इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिस फॉर्मूला चेंजेस लाइक दिस प्रॉबल्टी ए इंटरसेक्शन बी इज पी इंटू पी बी क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है कि इफ प्रॉबर्टी ऑफ ए गिवन बी इज सेम एज ए मतलब ए और बी आपस में डिपेंडेंट नहीं है बी इज ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी प्रॉबर्टी ऑफ ए गिवन दैट बी एज ऑलरेडी अकर्ड बी इवेंट हैपन हो चुकी है वो सेम एज प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट है और या फिर ऐसा हो कि प्रॉबर्टी ऑफ बी निकालें आफ्टर ए एंड इट इज सेम एज प्रॉबर्टी ऑफ बी एंड बी आर इंडिपेंडेंट वे एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है उनकी कंडीशनल प्रॉबर्टी और प्रॉबर्टी दोनों सेम है राइट right? सो so, ये है अगर प्रॉबर्टी मैं अगर रिपीट कर रहा हूं इस बात को जो प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट ए है या कंडीशनल प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट है गिवन बी बी के बाद ए का होना या ए का ओरिजिनली होना दोनों सेम है तो बी ए को अफेक्ट नहीं कर पाई बी ए को चेंज नहीं कर पाई इंडिपेंडेंस आ गई राइट हम कह रहे हैं ए की प्रॉबलिटी गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड वो सेम आती है जो ए की प्रॉबलिटी थी तो बी को बी ने क्या करा बी ने कोई चेंज ही नहीं कर पाया ए को बी अफेक्ट ही नहीं कर पाया इवेंट ए को तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ऐसे बोलते हैं और ए और बी इंडिपेंडेंट होंगी तो ये भी इंडिपेंडेंट और एंड नहीं है और है दोनों में से कुछ भी चेक कर लो दिस और दिस तो क्योंकि बिकॉज ए अगर बी से इंडिपेंडेंट है तो बी भी ए से इंडिपेंडेंट है राइट right? बी और ए इंडिपेंडेंट है तो मतलब ए बी से इंडिपेंडेंट है तो बी बी ए से इंडिपेंडेंट है दोनों में से एक ही कंडीशन चेक करनी है तो अगर ऐसा गिवन है क्वेश्चन में इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर देखो फॉमुला चेंज हो गया क्योंकि ये सेम अभी तो बताया कि प्रॉबलिटी बी गिवन एस ये क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट हटा दूंगा लिख के लिखा मैंने मैं हटा दूंगा ऊपर कर रहा हूँ नजर आ रहा है इसमें ये है राइट right? तो ये मैंने इसको पी बी लिखा है मतलब ये भी बताया इंडि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रॉपर्टी बी गिवन है पी बी हो जाता है तो मैंने इसकी जगह ये प्लग इन कर दिया मतलब मल्टीप्लाई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम चेंज हो गई वन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट सेम वे अगर तीन इवेंट हैं मुझे ये चाहिए और तीनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो मैंने उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई कर लिया ये कर लिया एंड सेम वे यू नो अगर चार इवेंट हैं ऑन सो दैट्स हाउ इट चेंजेस मल्टीप्लीकेशन थ्योरम राइट तो

एक के बाद पहले एक डाइस थ्रो किया फिर सेकंड थ्रो किया नंबर जो पहले डाइस पे आ रहा है वो सेकंड से छोटा है तो हम इसको बाइंग स्पेशन ऐसे कर लेते हैं मान लेते हैं कि पहले पहले डाई पे वन नंबर आ रहा है डाई थ्रो की है तो दूसरे पे क्या आ सकता है वो ये आ सकता है दूसरे पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स शॉर्ट में लिख लेते हैं प्रॉपर यह आ गया इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है दूसरा केस क्या बना केसे बना के कर लिया टू आया सेकेंड फर्स्ट डाई पर टू आया और जो सेकेंड आई है ये मेरा फर्स्ट दो डाई है फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड तो यहां पे टू आया है यहां पे टू आया है तो इस पर इससे बड़ा नंबर आना चाहिए मतलब थ्री फोर फाइव सिक्स ये चार केस बन गए फिर थर्ड केस बनाया कि इस पर थ्री आया और अगले डाई पे बड़ा नंबर आना चाहिए बड़ा नंबर क्या हो गया फोर फाइव सिक्स हो गया तो दो तो ऐसे केस बनते जाएंगे दो केस और आएंगे यहां पे फोर आया तो यहां पे क्या आया फाइव और सिक्स आया सेकेंड डाई पे उसकी प्रॉबर्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर अगर मेरा फाइव आता है राइट तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे सिक्स आना चाहिए तो मैंने ऐसे केसेस लिख लिए हैं अब मैं प्रॉबर्टीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं राइट right? मल्टीप्लाई कर लिया मैंने ये प्रॉबर्टी ऑफ वन क्या है वो वन बाय सिक्स होता है वन आने की प्रॉबर्टी वन बाय सिक्स है अब ये इनकी प्रॉबर्टी निकालनी निकाल है टू थ्री फोर फाइव सिक्स की ये प्रॉबर्टी निकालनी है तो मेरी कंडीशन प्रॉबी अगर आप देखेंगे तो कंडीशन प्रॉबर्टी है मैंने अगर मैं इसको लिखता तो ऐसे लिखता प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट ए फिर आता है प्रॉबलिटी ऑफ़ इवेंट बी निकालना है गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड ऐसे वाला फॉर्मला लगा था हमने इवेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है हमने कॉमन सेंस लगा लेते हैं इसमें आप इवेंट डिफाइन करोगे फिर इवेंट के फॉर्म में फॉर्मला लगाओगे और फिर आप उसको वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो सीधा विदाउट डिफाइनिंग इवेंट्स हमारा टाइम सेव होता है क्योंकि मेरे को प्रॉपर सोल्यूशन देना नहीं है तो हमने उसको लॉजिक से कर लिया कि पहले वन आ रहा है तो अब अब जो सेकेंड आई थ्रो कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी है दिपेंगे दिपेंगे वन नहीं आ सकता उसके ऊपर ऊपर टू में सिक्स आएगा राइट right? ये मैं ये मान के कि यहां पे वन आया था मुझे उससे बड़ा नंबर चाहिए ये मतलब है यहाँ पे ये है ये अगर मैं डिफाइन करता तो मेरा इवेंट ए क्या होता वन अकर्ड ऑन द फर्स्ट आई फिर मैं कहता यहाँ इवेंट बी चाहिए राइट मान के फर्स्ट आई पे ए आया था वन आया था सॉरी फर्स्ट ए पे इवेंट ए हैपन हो चुकी है आ चुका है ये मान लो वन आ चुका है पहले डाई पे अब निकालो सेकंड पे हायर नंबर है फिर आप कहते हो टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ऐसे बोलते तो ये हमने ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करी है दो काम एक साथ होने फर्स्ट डाई पे नंबर वन आना है और सेकंड डाई पे उससे बड़ा नंबर आना है नहीं तो ये मतलब है ये कंडीशन दोनों काम होने चाहिए फर्स्ट आई पे वन सेकंड आई पे उससे बड़ा नंबर जब भी मल्टीपल इवेंट्स एक साथ होनी है तो मल्टीप्लीकेशन थे लगती है मतलब मल्टीप्लाई कर दो प्रॉब्ल्टीज को अगर डिपेंडेंसी है तो डिपेंडेंसी रिजॉल्व करके डिपेंडेंसी नहीं है इंडिपेंडेंस है तो सीधा मल्टीप्लाई करते जाओ तो हमने डिपेंडेंसी है इस बार लेकिन हमने वो कंसिडर कर ली तभी हमने कहा इसे वन नहीं आ सकता हमने क्यों अगर इंडिपेंडेंट होता तो हम कहते भी ये भी नहीं यहाँ पे हमने वन यहाँ से हटा दिया लिस्ट में से क्योंकि डिपेंडेंसी थी वन बाय सिक्स है ये फाइव बाई सिक्स हो गया कोई भी पाँच नंबर आ सकते हैं सारे एक भी प्रॉपेबल हैं फिर हमने सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है टू आए थ्री आए फोर आए सब वन बाय सिक्स है तो फाइव बाय सिक्स हो गया सेम टू आना मतलब हा वन बाय सिक्स हो गया मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स है और ये चारों की प्रोबेबिलिटी मैं लूंगा थ्री आए फोर आए चार फेवरेबल हैं टोटल ये आ गया और बाय सिक्स आ गया राइट तो ऐसे यहाँ पर थ्री वन बाय सिक्स है इंटू थ्री बाय सिक्स ये चलता जाएगा फिर वन बाय सिक्स इंटू टू बाय सिक्स मैंने ये लिखा है इस बार फाइव और सिक्स मतलब टू बाई सिक्स फिर वन बाय सिक्स इंटू वन बाय सिक्स तो मैं डिनोमिनेटर में थर्टी सिक्स आ गया मेरा और न्यूमिलेटर में ऐड करके फाइव प्लस फोर यू नो प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन तो ये मेरा आ गया यहाँ से ट्वेल्व और फिफ्टीन बाय थर्टी सिक्स कैंसिल करा थ्री मैंने तो फाइव बाई ट्वेल्व आ गया राइट right? तो ये क्वेश्चन ऐसे किया हमने मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किया दूसरा तरीका ये था इसका कि तीन केस हो सकते हैं नंबर या तो ए पे बड़ा आएगा या नंबर ए ए बी से बड़ा होगा मतलब फर्स्ट डाई पे नंबर सेकंड डाई से ज़्यादा होगा या फिर फर्स्ट डाई पे नंबर सेकंड डाई से कम होगा या दोनों डाई पे इक्वल होगा नंबर तीन केस ही हो सकते हैं इसको वन कर दिया एग्जॉस्टिव हो गया सारा इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता प्रॉबलिटी ऑफ तीन ही केस हो सकते हैं सब मिला के प्रॉबलिटी वन होनी चाहिए राइट तो सबको सम करके हमने वन कर दिया क्योंकि इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा सबकी प्रॉबलिटी वन होगी तो हमने प्रॉबलिटी ये अब ये दोनों इक्वल होंगे देखो अब मैंने इसको ये और ये दोनों इक्वल क्योंकि ऐसा फर्स्ट डाई पे नंबर ज़्यादा आना या सेकंड आई या सेकंड डाई पे नंबर ज़्यादा आना दोनों इक्वल चांसेस होने चाहिए क्योंकि फर्स्ट डाई सेकंड डाई के कोई uh, बाइसिंग नहीं है कोई कोई ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है डाई का कि हमेशा बड़ा नंबर ही शो करेगा फर्स्ट डाई या सेकंड डाई बड़ा नंबर शो करेगा हम डाई को बिल्कुल सेम मान रहे हैं आइडेंटिकल डाई से तो इक्वली चांसेज हैं दोनों को ज़्यादा नंबर दिखाने के तो ये हम इक्वल मानते हैं हमेशा राइट right? तो ये इक्वल आने के दोनों इक्वल है तो मैंने लिख लिया टाइम्स पहला नंबर डाई पे छोटा आ रहा है सेकंड से ये कर लिया इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन ए इक्वल टू बी इक, इसका मतलब इक्वल नंबर आ रहा है तो ये भी तरीका निकालने का मेरा प्रोबेबिलिटी पहले डाई पे छोटा नंबर आ रहा है इज इक्वल टू वन माइनस प्रॉबर्टी दोनों पे इक्वल नंबर आ रहे हैं डिवाइडेड बाई टू ये और इक्वल नंबर इजी है निकालना इक्वल नंबर में केसेस क्या बने देखो ये टू है इक्वल में दोनों पहले पे वन आया मैंने एक पहले पे वन आया दूसरे पे भी वन आया वो इंडिपेंडेंस है पहले मतलब पहले पे टू दूसरे पे भी टू थ्री थ्री गोज ऑन सिक्स सिक्स ये मतलब है राइट फिर वैल्यू रिप्लेस कर दी वन माइनस पहले पे वन मतलब वन बाय सिक्स इंटू वन बाय सिक्स ही चलता रहेगा हर जगह वन बाय सिक्स इंटू वन बाय सिक्स गोज ऑन तो ये आ गया वन माइनस सिक्स बाय थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय टू सो फाइव बाई ट्वेल्व आ गया ये भी सो इज अदर वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन डिज अ मैटर विच वे यू फॉलो बट कॉन्सेप्ट समझना है कि हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉबल्टीज कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हमें चाहिए इस तरह से हमने किया ही सो दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स सी दिस इज अ वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन इट सेज दैट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं गिवन इस बार क्वेश्चन में प्रॉबल्टी बोथ ए एंड बी अगर इज वन बाय एट दोनों इवेंट्स साथ में हैपन हो रही हैं ए भी हो रही है बी भी हो रही है वन बाई एट गिवन है प्रॉबलिटी नीधर ऑफ द्री बाई एट प्रॉबिली नर नीदर एजनिंग नर बी इज है is 3 by 8. हमें निकालना है प्रॉबलिटी ऑफ इवेंट ए ये निकालना है क्या है तो यहां पर मैं दिखाऊंगा कैसे मल्टीप्लीकेशन थे कैसे इंडिपेंडेंट यूज करेंगे देखो इसमें मैंने क्या किया लेट एक्स मान लेते हैं प्रॉबलिटी ऑफ ए को एक्स ले लिया प्रॉबल्टी ऑफ बी को वाई ले लिया मैंने तो इस बार ए और भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं दिस इंप्लाइज पी ए इंटू पी बी मल्टीप्लाई कर दो उनकी इंडिविजुअल प्रॉबर्टी जो पहले कहा था नहीं करना क्योंकि इंडिपेंडेंस गिवन नहीं था अब मैं कर सकता हूँ इस बार पी ए इंटू पी बी इक्व टू वन बाई एट और यहाँ से आ गया प्रॉब्लिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रॉबर्टी बी कॉम्प्लीमेंट बिकॉज अगर ए और B है, तो भी इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे वहाँ भी सेम लगा दिया हमने थ्री बाई एट तो ये क्वेश्चन बनती है मेरी एक्स वाई इक्व टू वन बाई एट बिकॉज प्रॉबर्टी ऑफ इवेंटे इज एक्स प्रॉबर्टी ऑफ इवेंटे इज वाई सो यहाँ बनेगा वन माइनस एक्स प्रॉबर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज वन माइनस एक्स प्रॉबर्टी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज वन माइनस वाई इक्वल टू थ्री बाई एट राइट क्योंकि देखो ये ए एक्स है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा वन में से माइनस कर दो वन माइनस एक्स हो जाएगा प्रॉबर्टी बी कॉम्प्लीमेंट होएगा वन में से माइनस करके वन माइनस वाई ये राइट तो मुझे कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर कैलकुलेशन करने का मतलब है क्योंकि अब दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है वी हैव टू सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई सो सो यहाँ से मेरा देखो अब क्या आ गया इतना मुश्किल नहीं है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया वन माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू थ्री बाई एट यहाँ से आएगा मेरा ये वन पता है एक्स वाई पता है थ्री बाई एट पता है तो वन प्लस एक्स वाई इज़ वन बाई एट माइनस थ्री बाई एट इक्वल टू एक्स प्लस वाई मैं एक्स और वाई को इस पर ले गया हूँ तो मेरा एक्स प्लस वाई आ गया वो मेरा आया वो आया मेरा एलसीएम लेके एट प्लस नाइन नाइन माइनस थ्री सिक्स सिक्स बाई एट सिक्स बाई एट में थ्री बाई फोर आया राइट right? अब इसके बाद इसके बाद मुझे x प्लस वाई पता है एक्स वाई पता है ये तो आपने कई बार क्वेश्चन किया होगा अब यहाँ से मुझे x और y सॉल्व करना है तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर दें x माइनस वाई होल स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई x plus y होल स्क्वायर being uh, 9 बाई सिक्सटीन माइनस फोर एक्स वाई फोर बाई एट सो इट कम्स आउट टू बी सिक्सटीन एल सी 9 लेके नाइन 16 आ रहा है अब मेरे को ये मेरा स्क्वायर रूट लेके x minus y क्या आ गया 1 by प्लस माइनस 1 by 4 दोनों केस लेने आपने अब मेरा x plus y अब देखो अब x plus y मेरा ये रहा और मेरा x minus y ये रहा मुझे x चाहिए add कर दूँ टू एक्स एड करेंगे टू एक्स आ गया टू एक्स की वैल्यू क्या आ रही है थ्री बाय फोर प्लस माइनस वन बाय फोर आ रही है राइट सो इट कम्स आउट टू बी फोर एल सी हम लेके थ्री प्लस माइनस वन आ रही है तो ये टू एक्स गया तो मेरा अगर प्लस साइन ले रहा हूँ तो वन है एक्स हाफ आ गया अगर माइनस साइन ले रहा हूँ तो हाफ आ रहा है एक्स वन बाय फोर आ गया एक्स हाफ एंड एक्स वन बाय फोर सॉल्व कर लिया हमने ऐसे राइट सॉल्व कर लिया तो ये ये मतलब जरूरत नहीं थी करने की मैथमेटिक्स था एल था ये कॉन्सर तो वहीं ख़त्म हो गया था कि लेट प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट इज़ एक्स प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट भी इज़ वाई एक एक्स वाई इवेंट बन गई एक वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई बन गई थी दो क्वेश्चन बन गई थी एक्स और वाई सॉल्व करना था तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट थी और जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगी हम प्रॉबर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मला यूज कैसे यूज़ करते हैं कि प्रॉबर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज़ प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाइड ऑफ ए मल्टीप्लाई द इंडिविजुअल प्रॉबर्टीज़ राइट जो मल्टीप्लीशन थ्योरम है वो चेंज हो गई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम मीन्स प्रॉबर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जब भी प्रॉबर्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है उसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम बोलते हैं कि वो प्रॉबर्टीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर्मला था हमारा सो दिस इज देयर आर टू मोर क्वेश्चन क्विकली वी कैन है लुक लेट मी सी दाइम

टू कैटेगरीज स्प्लिट इन टू कैटेगरीज जब भी सैंपल स्पेस आएगा दो कैटेगरी बना दी दो पार्ट में एक को हमने कहा सक्सेस और दूसरे को फेलियर एक कैटेगरी में राइट जैसे मैंने यहां सक्सेस किसे कह दिया सक्सेस कह दिया फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ थ्री को तो मेरा फेलियर क्या होगा नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री अपोजिट को कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए समझना नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री क्योंकि कुछ इस साइड पर रखा है बचा वो दूसरी साइड पर रखा है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया एक साइड और दूसरी साइड अगर सक्सेस है तो उसका अपोजिट अपोजिट समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री में तो अपोजिट हो गया तो इसको ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हम सक्सेस को हमेशा से रिप्रेजेंट करते हैं बानोमिल एक्सपेरिमेंट में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री क्या हो जाएगा वो क्या हो गया फे क्या होगा कितने फेवरेबल हैं थ्री और सिक्स दो एलिमेंट फेवरेबल हैं थ्री और सिक्स और पॉसिबल वन टू सिक्स है तो प्रॉबल्टी मेरी यहाँ से टू बाय सिक्स वन बाय थ्री हो गई प्रॉबर्टी ऑफ सक्सेस इज़ वन बाय थ्री प्रॉबर्टी ऑफ फेलियर कॉम्प्लीमेंट्री वेने वन में से माइनस कर दो निकाल भी सकते हैं वन में से माइनस करा टू बाय थ्री आ गया नॉट अ मल्टीपल ऑफ़ थ्री टू बाय थ्री है मल्टीपल ऑफ थ्री इज़ वन बाय थ्री सो जब भी मैं किसी एक्सपेरिमेंट में सक्सेस और फेलियर डिफाइन कर लेता हूँ एक पार्ट को मैं सक्सेस बोल रहा हूँ और वो पार्ट के अलावा जो बच गया उसको मैं फोलियर फेलियर बोल रहा हूँ तो वो मेरा बानुमल एक्सपेरिमेंट बन जाता है तो ये बानुमुल एक्सपेरिमेंट है दूसरा एग्जांपल हूं मैं यहां पे साइड में कि दूसरा एग्जांपल यह हो सकता है कि जैसे डाइस तो यहां पे मैंने क्या करा दो ही इसमें एलिमेंट है एक हेड है और एक टेल है तो मैंने सक्सेस हेड को बोल दिया और फेलियर टेल को बोल दिया तो इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ तो पहले लिख लेते हैं सक्सेस की प्रॉबिलिटी भी हाफ है यहाँ पे और फेलियर की प्रॉबिलिटी भी हाफ है मान के अनबाइस्ड कॉइन है अगर बाइस्ड कॉइन होगा तो प्रॉबिलिटीज चेंज हो जाएंगी हमेशा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो पी प्लस क्यू हमेशा बायनोमल एक्सपेरिमेंट में वन होगा यहाँ भी पी प्लस क्यू वन होगा तो ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बायनोमल एक्सपेरिमेंट वही है जिसमें दो पॉसिबल आउटकम है सैंपल स्पेस में जैसे हेड और टेल है कॉइन टॉस किया ऐसा नहीं है मैंने डाई वाला एग्जाम्पल दिया आपको डाई में छः एलिमेंट है सैंपल स्पेस में तो कितने एलिमेंट फर्क नहीं पड़ता हैं, दस है पचास है सो हैं हजार फर्क नहीं पड़ रहा हमने वो सारे एलिमेंट्स को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया एक कुछ इस तरफ चले गए बाकी उस तरफ चले गए दो एलिमेंट नहीं थे एलिमेंट ज्यादा थे हमने कैटेगरी दो बनाई है एक सक्सेस बोला है तो ऑटोमेटिकली बची हुई फेलियर बन गई तो सक्सेस की प्रॉबिलिटी पी है तो फेलियर की वन माइनस पी होगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ये नहीं तो ये दोनों में इधर एंड ये नहीं तो वो सही राइट सनलाइट या डार्कनेस अपोजिट हो गया सक्सेस एंड फेलियर ऐसे है तो यहां पे एक फॉर्मूला है जो मेन एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ यू नो नोब एक ही फॉर्मूला है प्रॉबलिटी आर सक्सेस इन एंड ट्रायल्स ऑफ अ बायोमेल एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल्स एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ अ अमेन एक्सपेरिमेंट है अगर मैं में जो एक्सपेरिमेंट बनाया है में ले फॉर एग्जांपल कॉइन है उसको मैंने एंड टाइम्स टॉस किया या डाई को मैंने एंड टाइम्स थ्रो किया जो भी एक्सपेरिमेंट है बानोमेल एक्सपेरिमेंट उसके एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स करने हैं कॉइन को पहली बार थ्रो किया सेकेंड टाइम थ्रो किया थर्ड टाइम थ्रो किया सारे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि फर्स्ट टाइम अगर कॉइन पर हेड आया तो सेकंड में हेड आने के चांसेस कम हो गए नहीं नहीं सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं या या कॉइन की एक नई पॉसिबिलिटी भी हो गई दस बार थ्रो करने के बाद कि कॉइन खड़ा भी हो सकता है ऐसे बीच में कि हेड और टेल के अलावा इसमें नींद स्पेस चेंज हो गए हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है नीदर ऑफ द टू भी आ सकता है नहीं ऐसा नहीं इंडिपेंडेंट मतलब कि पुराने पहले क्या आया था फर्स्ट फर्स्ट थ्रो में सेकेंड थ्रो में क्या आया है थर्ड टॉस में क्या आया फोर्थ टॉस में क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा फिफ्थ और टेंथ और फिफ्टीन टॉस में क्या आएगा सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं सारे टॉसेज इंडिपेंडेंट हैं अगर ऐसा हो रहा है उनमें से मुझे सक्सेस चाहिए आ ट्रायल में से एन में से तो हम कहते हैं एन सी आर फॉर्मूला मेरा ये डेरिवेशन ही बता रहा हूँ फॉर्मूला बता रहा हूँ और मुझे सक्सेस की प्रॉबलिटी मेरी पी थी पहले डिफाइन करा हुआ बानोमेल एक्सपेरिमेंट सक्सेस की प्रॉबलिटी पी है पी टू द पार आर आता है पावर उसकी और क्यू टू द पार एन माइनस आर आता है प्रॉबल्टी ऑफ सक्सेस टू द पावर आर प्रॉबल्टी ऑफ फेलियर टू द पावर एन माइनस आर ये कहते हैं बानोमेल एक्सपेरिमेंट फार्मूला इसका नाम है बानोमिल एक्सपेरिमेंट फार्मूला राइट right? तो यहां पे दो फॉर्मूले और हमें रखने पड़ते हैं कि अगर हम अगर हमें ये हमने हमारा ये बैनोबल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं बैनोबल डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे मेरी अगर पहले एग्जांपल ले लेते ले हैं कॉइनिस टॉस्ट फॉर फाइव टाइम्स इंडिपेंडेंटली नहीं भी लिखा है इंडिपेंडेंटली तो मानना ही पड़ेगा इंडिपेंडेंटली कॉइन इज टॉस्ट फॉर फाइव टाइम्स इंडिपेंडेंटली अब मुझे निकालना है प्रॉबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स ये निकालना है और प्रॉबर्टी ऑफ एट लीस्ट टू हेड्स राइट तो इसमें हम क्या करते हैं इसके अंदर पहले तो हेड पे जोर है नंबर ऑफ हेड्स की प्रॉबर्टी निकालनी है थ्री हेड्स एक्जेक्टली थ्री हेड्स मतलब थ्री हेड्स तो हम हेड को सक्सेस ले लिया मैंने बारोम एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया मैंने यहां कर रहा रूम मैं कि मैंने हेड uh, को सक्सेस ले लिया और टेल को फेलियर ले लिया तो प्रॉबर्टी ऑफ सक्सेस मेरा आ गया स्मॉल पी आ गया मेरा हाफ सक्सेस कॉइन नहीं पता है आपको हेड की प्रॉबर्टी भी हाफ होती है और टेल आने की प्रॉबर्टी हाफ है एक ही प्रॉबिबल मानते हैं दोनों हाफ आ गए ये ले लिया अब मुझे थ्री हेड्स चाहिए मतलब थ्री सक्सेस चाहिए मुझे इसका मतलब प्रॉबर्टी आर इक्वल टू थ्री चाहिए क्योंकि सक्सेस तीन चाहिए थ्री हेड्स आने का मतलब है थ्री सक्सेस चाहिए राइट थ्री सक्सेस ऐसे लिख लेते हैं थ्री सक्सेस चाहिए ये समझो मैंने नीचे लिख लिया ये था यहाँ पे आइए यह, थ्री सक्सेस चाहिए मेरे को ये थ्री सक्सेस तो मुझे इसका मतलब हो गया प्रॉबल्टी आर इक्वल टू थ्री चाहिए आर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेज को और वो क्या हो गया मेरा वो हो गया फाइव सी थ्री सक्सेस की प्रॉबल्टी पी क्यूब फेलियर का स्क्वायर ये फॉर्मला लगाया मैंने और फिर मैंने मेरा टेन हो गया ये मतलब जो भी आएगा हाफ का क्यूब है फाइव सी थ्री टेन है हाफ का क्यूब हाफ का स्क्वायर तो जो भी आंसर आएगा टेन बाई थर्टी टू हो गया यह टेन बाय थर्टी टू तो एटलीस्ट टू हेड्स चाहिए तो मतलब हेड दो हेड भी हो सकते हैं एटलीस्ट टू होने चाहिए दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं थ्री हेड्स भी हो सकते हैं फोर भी हो सकते हैं फाइव भी हो सकते हैं तो हम सारी केसेस को ऐड करना पड़ेगा फाइव तक ये हम कहते हैं ये छोड़ दो आप ये चार केस मत ऐड करो वन में से माइनस कर दो कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है जो नहीं चाहिए हमें कह नहीं चाहिए हमें जीरो हेड आ गया नहीं चाहिए हमें तो एटलीस्ट टू हेड चाहिए थे माइनस करो हमें वो केसी माइनस कर दो इसमें एक हेड आ रहा है क्योंकि हमें एटलीस्ट टू हेड चाहिए थे तो ये थोड़ा तो शॉर्टर पड़ता है तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेट जाना है या रिवर्स में जाना है अपने उल्टा करना है या स्ट्रेट काउंट करना है वो डिपेंड करता है शॉर्टर पाथ कौन सा है ये शॉर्टर है वन माइनस सारे के सारे फेलियर हैं राइट पाँचों के पाँचों मेरे इक you know, like, या, या वन माइनस ही इसमें से देखो जीरो ज़ीरो सक्सेस चाहिए पी डू द पार ज़ीरो क्यू टू द पार फाइव हो गया माइनस मुझे एक सक्सेस चाहिए पी सी वन पी डू द पार वन फॉर्मुला ही मेरा ये मैं रिप्लेस कर दूँगा वैल्यूज ये है मेरा ये कॉन्सेप्ट है राइट अब यहाँ पे बानोमिल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड कहते हैं इसका बॉयोमल डिस्ट्रीब्यून क्या होगा एक्सपेरिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और बॉनोमल एक्सपेरिमेंट है तो मिलेंगे बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो ये इसको कहते हैं हम हम कहते हैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं एक्स है राइट हम उसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल कहते हैं वर्ड इसको क्योंकि वो वेरी वैल्यू चेंज कर रहा है राइट सो रैंडम वेरिएबल प्रॉबर्टी में वेरिएबल डिफाइन कर रहा है तो रैंडम वेरिएबल होगा ब्रिटेंट की तो ये मेरा रेक्स रैंडम वेरिएबल है और ये मेरा प्रॉबर्टी ऑफ एक्स है अगर आर यूज़ कर लो इसमें कोई ऐसे कोई प्रॉबर्टी ऑफ आर है तो मेरी आर की वैल्यू मतलब सक्सेस की वैल्यू है जीरो सक्सेस भी हो सकती है वन भी सक्सेस हो सकती है टू भी हो सकती है थ्री भी हो सकती है फोर भी हो सकती है फाइव सिक्स फाइव फाइव से ऊपर नहीं होंगे फाइव स्टेजेस हैं फाइव 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 टाइम्स थ्रो किया कॉइन को फाइव टाइम्स थ्रो किया तो मैक्सिम फाइव सिक्स आ सकती हैं तो मैं यहाँ ये निकाल लूँगा प्रॉबल्टी आर इक्वल टू जीरो प्रॉबर्टी आर इक्वल टू वन अभी देखा हमने कैसे निकालना है प्रॉबल्टी आर इक्वल टू टू प्रॉबल्टी आर इक्वल टू थ्री प्रॉबर्टी आर इक्ल टू फोर प्रॉबर्टी आर इक्वल टू फाइव ये प्रॉबर्टी इसका जिसमें से सारी प्रॉपर्टीज़ मैं भर दूंगा तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया अभी करने की जरूरत नहीं सारी प्रॉपर्टीज निकाल के रखेंगे तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया अब इस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का दो फॉर्म ले हैं डेरीवेशन की बात नहीं करेंगे इसका मीन क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा है स्टेटस्टिक्स में पढ़ा है आपने कि मीन क्या है इसका राइट तो मीन मतलब एवरेज भी कहते हैं मीन को एवरेज क्या उसका भी भी है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं उसके एक्सपेक्टेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू है

राइट और थ्रोन पांच कॉइन को थ्रो किया या एक कॉइन को पांच बार थ्रो किया एक ही मतलब है एक कॉइन को फाइव टाइम्स थ्रो करना और या फाइव क्वाइंस को एक साथ थ्रो करना एक ही बात मानेंगे उसको प्रॉब्लिटी ऑफ ऑप्टेनिंग अ टोटल ऑफ ट्वेल्व अब पांच बार थ्रो किया एक कॉइन को उसमें आपको टोटल मुझे 12 चाहिए सम 12 होना चाहिए तो पहले ये इसमें प्रॉबलिटी से शुरू नहीं होगा क्वेश्चन पर से नहीं शुरू होगा लॉजिक से शुरू होगा कैसे मेरा सम 12 आ, आ सकता है ऐसे केसेस क्या होंगे क्या नंबर आए कॉइन्स पे कि उनका सम मेरा ट्वेल्व बन जाए तो हमें थोड़ा बड़ा दिमाग खपा के देखना पड़ेगा कि पाँच नंबर का सम मेरा ट्वेल्व बनना चाहिए और नंबर टू या थ्री हो सकते हैं तो ये बनेगा केस कि टू और थ्री को लेके पाँच नंबर लेने हैं टू और थ्री को पाँच पाँच नंबर नंबर लेने हैं या तो टू हो सकता है नंबर या थ्री हो सकता है ऐसे पाँच नंबर लेने हैं उनका सम मेरा ट्वेल्व होना चाहिए तो भाई इंस्पेक्शन करना है ये मेरा सम ट्वेल्व हो गया पांच नंबर है तो मुझे अब इसकी प्रॉब्लटी निकालनी है कि तीन बार टू आ जाए और दो बार थ्री आना चाहिए तो मैंने एक सक्सेस डिफाइन कर लिया सक्सेस किसी को भी ले सकते हैं टू को सक्सेस ले लिया थ्री को सक्सेस ले सकते हो टू को सक्सेस मतलब टू ले लिया और फेलियर मेरा थ्री हो जाएगा क्योंकि दो ही ऑप्शन है कॉइन टू थ्रो कर सकता है या थ्री थ्रो कर सकता है और मुझे क्या निकालना है प्रॉबिलिटी मुझे कितनी सक्सेस चाहिए मुझे तीन सक्सेसेस चाहिए फाइव ट्रायल्स में आई वॉन्ट प्रोबिलिटी थ्री सक्सेस इन फाइव ट्रायल्स और बानोमल एक्सपेरिमेंट है क्योंकि दो ही स्टेज हैं इसमें या तो टू आएगा थ्री आएगा तो बायनोमल हाइड्रोकॉइंट की तरह हाइड्रोटी की तरह ही है तो बायनोमल एक्सपेरिमेंट हो गया जब भी दो ही आउटपुट आ सकते हैं दो ही कैटेगरी हैं तो मायनोमल एक्सपेरिमेंट कहते हैं कितनी सक्सेस चाहिए थ्री चाहिए वही फॉमूला फाइव सी थ्री प्रॉबर्टी ऑफ सक्सेस का क्यूब प्रॉबर्टी ऑफ फेलियर का स्क्वायर और यहाँ पर हमें प्रॉबर्टी सक्सेस फेलियर दोनों इक्वल गिवन है क्योंकि कुछ गिवन नहीं है कि कोई बायस नहीं है और तो ये भी हाफ हो गया इसकी प्रॉबर्टी ऑफ सक्सेस भी हाफ हो गई और प्रॉबर्टी ऑफ फेलियर भी हाफ हो गया तो मैं प्लग इन कर दूंगा जो पहले किया था वही आंसर टेन बाय थर्टी टू फाइव बाय सिक्सटीन राइट तो ये ये क्वेश्चन था जो ऑलमोस्ट पहले कर लिया था अब ये क्वेश्चन है क्विकली देख लेते हैं जब तो क्योंकि वी ट्वेंटी ट्वेंटी वाले क्वेश्चन भी करने हैं टॉस फॉर फाइव टाइम्स वट इज द प्रॉबलिटी ऑफ obtaining एट मोस्ट थ्री हेड्स एट मोस्ट थ्री हेड्स हैं, तीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो जीरो टाइम्स हैं, हेड की बात कर रहे सक्सेस ले लिया ऐसे पहले, तो पहले किया था तो कॉइन इज बायस है इस बार ओके सर इस बी पार्ट के लिए फर्स्ट के लिए बी पार्ट के लिए तो मोस्ट थ्री हेड्स होने चाहिए जीरो हेड वन हेड टू हेड्स टू सक्सेस और थ्री सक्सेसेस ये हम ऐसे काउंट कर सकते हैं ये नहीं करना तो आप कर लो वन माइनस फोर सक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लिया माइनस ऑल सक्सेसेस ये शॉर्टर पड़ेगा तो ये कर लेंगे आप जैसे पहले किया था हमने फिनिश कर लेना बी पार्ट जो सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट कह रहा है ये कि कॉइन इज बायज इन सच अ मैनर चांसेज ऑफ गेटिंग हेड चांसेज ऑफ गेटिंग हेड इज ट्वाइस द चांसेज ऑफ गेटिंग टेल प्रॉबलिटी ऑफ हेड अगर मेरी एक्स है तो मेरा x मेरा और वो y है तो x प्लस एक्स इक्वल टू टू वाई हो गया और उनका सम कितना है वन है तो इस तरह से हमने बाई इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं टू बाय थ्री एक वन बाय थ्री है सम वन है और एक डबल है क्या भाई सॉल्व करके कर लो x को टू वाई रिप्लेस कर दो सॉरी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है दोनों का एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है प्रॉबलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रॉबलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू वन वेयर सक्सेस इज टू टाइम्स द फेलियर हेड इज टू टाइम्स द टेल तो ये मेरा आ गया थ्री वाई इक्वल टू वन तो वाई इक्वल टू वन बाय थ्री है तो एक्स मेरा टू बाय थ्री हो गया तो हेड की प्रॉबर्टी टू बाय थ्री है इस बार सक्सेस इसे कह रहे हैं वो टू बाय थ्री है और फेलियर मेरा जो टेल है क्यू वो वन बाय थ्री है ये आ गया इस बार अब एक्सपेरिमेंट थोड़ा डिफरेंट है इसमें लिखा है कि फाइंड द प्रॉबी दैट हेड विल अपीयर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इन एन टोसेज ऑफ द कॉइन थोड़ा कैलकुलेशन होंगी एंड बार कॉइन को थ्रो किया है एंड टाइम्स सक्सेस निकालनी है मुझे ऑड नंबर ऑफ हेड्स आना चाहिए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हेड आना चाहिए तो मुझे जो आंसर है मेरा ये है इस बार ये निकालना है प्रॉबल्टी मेरी वन सक्सेस चाहिए मुझे प्रॉबर्टी थ्री सक्सेसेज चाहिए प्रॉबर्टी फाइव सक्सेसेज चाहिए क्योंकि ऑड नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए क्योंकि ऑड नंबर ऑफ हेड चाहिए कोज ऑन तो ये जो मेरा आर इक्वल टू वन आएगा एन सी वन p टू द पार वन q टू पार n माइनस वन ये है एन सी थ्री पी क्यूब एन टू द q टू द पार n माइनस थ्री कोजोन ये ऐसे सीरीज चल रही है जिसमें ऑर्ड बानोमिल कोफिशंट्स है देखो अभी बानोमिल थोड़ा सा यूज़ होगा इसमें अगर नहीं समझ आया अभी छोड़े दिन आप बानोमिल यूज़ हो रहा है इसमें तो इस पर हम क्या करते हैं ये हम मुझे सिर्फ ऑर्ड जो टर्म्स हैं उनको रिटीन करना है जो ऑर्ड सब्सक्रिप्ट है बानोमिल के उनको रिटीन करना है ऑर्ड है ऑर्ड देखो ये ऑर्ड है ये चाहिए बाकी सबको हटाना है तो ये थोड़ा बनेवल वाला पार्ट आएगा कि मैं कह रहा हूँ क्यू प्लस पी मैंने लिखा टू द पार एन ये मेरी सीरीज़ होती है एन सी नॉट क्यू टू द पार एन प्लस एन सी वन क्यू टू द पार एन माइनस वन पी गोज ऑन एन सी टू क्यू टू द पार एन माइनस थ्री पी स्क्वायर सॉरी ये वन था सॉरी एक से कम होगी ना पावर ये टू है तो पी ये ये सीरीज चल रही है मेरी अब मैं ऐसी एक और सीरीज लिख रहा हूं जिसमें बीच में माइनस साइन है और इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स हो जाएंगी ये माइनस हो जाएगा बस ये फर्क है एन सी वन द पावर एन माइनस वन पी ये प्लस है ऐसे चल रहा है अब मुझे क्या करना है मुझे और टर्म्स को रिटेन करना है और इवन टर्म्स को हटाना है मुझे क्या करना है मुझे ये चाहिए आपको देखो इसको इनको बचाना है मेरे को एसिड टर्म्स आ रही हैं इनको कैंसिल करना है तो ये कैंसिल करने के लिए उनको सपरेट कर दूंगा मैं क्यू प्लस पी टू द पार एन माइनस क्यू माइनस पी टू द पार एन जब सपरेट करेंगे तो ये जो ऑर्ड सब्सक्रिट वाली टर्म है सब्सक्रिट मतलब जो नीचे नंबर लिखा होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के जैसे वन लिखा हुआ है ये सब डबल हो जाएंगी माइनस किया तो टू टाइम्स पहला पहली टर्म आ गई एन सी वन क्यू टू द पार एन माइनस वन इन पी फिर आएगी एन सी थ्री ये सा, ये सारी ऑर्ड बच गई बाकी इवन वाली कैंसिल हो गई

हम आगे बढ़ते हैं ये हमारा लास्ट पार्ट है बेस थ्योरम तो बेस थ्योरम में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं टिपिकल क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट है इसमें दो स्टेज है ये स्टार्ट ऐसे डायग्राम बनाते हैं कि राइट फिर हम कहते हैं पहली स्टेज में क्या होता है इसमें कोई इवेंट डिफाइन होती हैं फर्स्ट स्टेज दो स्टेज होगी दो पार्ट होंगे पहले ये हुआ फिर उसके बाद कुछ और हुआ जितने बेस थ्योरम के क्वेश्चन होंगे समथिंग एंड देन समथिंग जो पहली स्टेज की इवेंट्स हैं उसको हम ऐसे लिख लेते हैं मतलब डायग्राम बनाते हैं ऐसे वाला ट्री डायग्राम बोल सकते हैं उसको ट्री डायग्राम में ट्री कितना लगता है ये ये ब्रांचेस बना रहा हूँ मैं ये ये इवेंट्स हैं जो फर्स्ट स्टेज की हैं से ए वन ए टू ए थ्री फिर एक सेकंड स्टेज की इवेंट होती है सेकंड स्टेज वर्ड आ रहा है मतलब इसमें दो पहले कुछ हो रहा है फिर बाद में कुछ हो रहा है स्टेज वर्ड यूज़ किया मैंने अभी कुछ और बाद में कुछ है, एक के बाद एक राइट right? तो गोज़ कह दो स्टेजेस कह दो तो यहाँ पे एक इवेंट होती है ई जिसकी मुझे प्रॉब्लिटी निकालनी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं फाइन प्रॉबल्टी ऑफ इवेंट ई ये बनता है क्वेश्चन और दूसरा बनता है प्रॉफर कंडीशन प्रॉबल्टी निकालनी है प्रॉबल्टी ए वन गिवन ई ये निकालना होता है या फिर और प्रॉबल्टी ए टू गिवन ई इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो हम इसमें क्या करते हैं इसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मूला ना यूज़ करके इसको डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं पहले हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे और ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं जैसे मैंने ये निकाला मेरा इसकी वैल्यू ए है इसकी वैल्यू बी है इसकी सी प्रॉबल्टी मैंने सारी लिख दी है पाथ के ऊपर ये दूसरे अगली ब्रांच आ रही है इसकी इसकी प्रॉबल्टी भी लिख ली मैंने से कैपिटल ए बी सी है, सारी है। ये सारी प्रॉबलिटी लिख ली राइट इसकी डेफिनेशन ये, ये, ये यहाँ पर क्या लिखते हैं प्रॉब्लटी ए क्या है अगर मैं यहाँ लिखी तो ए है मेरा प्रॉबलिटी ऑफ ए वन इवेंट ए है बी पाथ में क्या प्रॉबर्टी लिखनी है प्रॉबर्टी ऑफ ए टू यहाँ लिखना है सी में क्या लिखना है प्रॉबर्टी ऑफ ए थ्री ये मतलब है और मेरा कैपिटल ए क्या कैपिटल ए है प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एवन एज अ कर ये मेरा कैपिटल ए है बी क्या है मेरा प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट बी गिवन ए टू तो ये जो प्रॉब यहां लिखना है इसका डेफिनेशन है कि आप एवन से ई e की तरफ जा रहे हैं ई e की प्रॉबर्टी मान के कि एवन से आ रहे हैं गिवन एवन एज ए कर

तो पहला पाथ मेरा ये है इसकी प्रॉबर्टी निकालो पाथ की प्रॉबर्टी निकालने का मतलब है जो भी रास्ते में प्रॉबर्ट आ रही है मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्रॉबर्टी ऑफ फर्स्ट पाथ है ये स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी प्रॉबर्टी ऑफ सेकेंड पाथ है प्रॉबर्टी ऑफ थर्ड पाथ है सी इंटू सी सो पाथ मींस एक तरफ चलो और जो भी प्रॉपर्टी रस्ते में आ रही है मल्टीप्लाई करते रहो प्रॉबर्टी ऑफ दैट पाथ हो गई तो यहाँ ये तीन पाथ की प्रॉबर्टी ऐड कर रहे हैं एक मेरा पाथ ये है मेरा राइट ये पाथ पी वन है इसको मैं अगर मार्क कर दूं यहाँ पे तो ये मेरा ये जो पाथ है मेरा ये वाला पाथ ये पी वन पाथ है मेरा ये मेरा P2 टू पाथ है और ये P3 थ्री पाथ है तो तीनों पाथ की प्रॉबर्टी को ऐड कर दिया मैंने ये करा है राइट right? मतलब P1 वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री करा है सम ऑफ द प्रॉबर्टीज ऑफ ऑल द पाथ्स वो ये आ रही है पाथ की प्रॉबर्टी मतलब मल्टीप्लाई ऑल द प्रॉबर्टीज इन द वे तो हम तो ये ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं अब ये निकालना है मुझे कंडीशन प्रॉबर्टी निकालनी है कंडीशन प्रॉबर्टी किस तरह की ये इवेंट हैपन हो चुकी है इवेंट ही ऑलरेडी अकर्ड फाइंड द प्रॉबलिटी दैट इन द प्रीवियस स्टेज पहले एवन हैपन हुआ था एवन पहले हुआ था ये हो चुका है अभी प्रॉबल्टी इन द प्रीवियस स्टेज पहले एवन हैड अकर्ड ये तो इसमें हम डिनोमिनेटर ये आता है मेरा फॉर्मुला भी लगाएंगे कंडीशनल प्रॉबर्टी का तो क्या आएगा ये मेरा फॉर्मूला है पी प्रॉबर्टी एवन अब जो पहले हमने फॉर्मुला कंडीशन प्रॉबर्टी का देखा था ये फॉर्मूला था यह फॉर्मुला लगा के डिनोमिनेटर तो क्या आ गया तो सेम आ रहा है देखो ये तो सेम बन रहा जो ऊपर लिखा मैंने डिनोमिनेटर आ गया समीज ऑफ ऑल पाथ ऑल पार्ट्स एंड वट अबाउट न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर में ये ये आएगा राइट right? ये मेरा क्या है ये मेरा है प्रॉबलिटी ऑफ ए वन अगेन मल्टीप्लीकेशन थियोरम यूज करके ई गे वन ए वन ये बन रहा है और यह क्या बनता है अगर आप देखोगे ये इन दो प्रॉबल्टीज को मल्टीप्लाई करना है ये प्रॉबर्टी क्या ईवन की प्रॉबलिटी है राइट प्रॉबर्टी ऑफ दिस इंटो ये ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल इंटू कैपिटल ही है और यह है स्मॉल ए कैपिटल है स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी तो इसको ऐसे याद करना है कि इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं ये मेरा स, नीचे तो है सम ऑफ प्रॉबर्टीज ऑफ ऑल पाथ्स सारी probabilities की प्रॉबर्टीज कर दो न्यूमरेटर में है कि प्रॉबर्टी ऑफ फेवरेबल पाथ जो पाथ क्वेश्चन में गिवन है जो ऑप्शन इवन या फेवरेबल था फेवरेबल पाथ तो मैं फॉमूला जो है प्रॉपर फॉर्मूला वो प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बनेगा आप देखो आप फॉमूला अगर आपको आदत है फॉमूला में इवेंट डिफाइन करने पड़ते हैं जो मेरा फॉर्मूला था वो ये था ये फॉर्मूला बनता है प्रॉबलिटी ए वन इन टू प्रॉबल्टी ई की वन ए वन न्यूमरेटर में ये आता है डिनोमिनेटर में टोटल प्रॉबर्टी आती है सारी प्रॉबर्टी वो ये फॉर्मूला बनेगा प्रॉबलिटी ए वन पहले ए वन इवेंट हो फिर ई के थ्रू ए वन हो फिर सेकेंड पाथ की प्रॉबर्टी लेनी है प्रॉबर्टी ऑफ ए टू प्रॉबिलिटी ई गिवन ए टू ये वही है मैंने स्मॉल ए कैपिटल ए लिखा है इसको स्मॉल बी कैपिटल बी लिखा है इसको ये है स्मॉल सी कैपिटल सी प्रॉबर्टी ऑफ ए थ्री प्रॉबर्टी ई गिवन ए थ्री तो ये प्रॉब अगर आप ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको फिर ए वन ए टू ए थ्री पता होने चाहिए क्या है प्रॉबर्टी ई e भी पता होनी चाहिए इवन डिफाइन करनी पड़ेंगी तो हमने उसका ये वाला वर्जन बना लिया इस फॉर्म का हमने ये बना लिया न्यूमरेटर में ए कैपिटल ए है यहाँ पे ए यहाँ पे सम है सबका ए कैपिटल ए बी कैपिटल बी सी कैपिटल सी और ये मैंने बताया कि ए ए स्मॉल ए बी सी कैपिटल ए बी सी क्या है इस डायग्राम में तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है तो एक आधी क्वेश्चन देख लेते हैं कि थोड़ा नाइट सो इन अ बैग दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन ये बेस्ड फोर टिकट्स नंबर वन टू थ्री फोर शायद इसमें बेस थ्योरम नहीं है लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी है फोर टिकट्स हैं तो मैं ऐसे डायग्राम ऐसा अगर पहले तो देखना है दो पार्ट होने चाहिए बैग कंटेन्स फोर टिकट्स हैं ठीक है दूसरा बैग है इसमें सिक्स टिकट्स हैं तो मेरे दो बैग हैं जो बैग फर्स्ट है उसमें टिकट्स हैं वन टू थ्री फोर इसको ए मार्क कर दिया बैग को दस अनदर बैग विच हैज टिकट्स टू फोर सिक्स सेवन एट नाइन बैग भी है नो प्रॉबर्टीज ए टिकट वन बैग इज़ चूज़न एट रेंडम तो पहले दो काम हो रहे हैं पहले बैग चूज़ किया है फिर मैंने वहाँ से टिकट निकाली है और फाइंड करो टिकट पर नंबर फोर लिखा है राइट तो मुझे एक्सपेरिमेंट इस तरह का बन रहा है दो स्टेज है मैं ऐसा डायग्राम बनाऊँगा स्टार्ट फिर मैंने कहा कि पहली बार मुझे बैग चूज़ करना है तो बैग में ए भी चूज़ कर सकता हूँ बैग में बी भी चूज कर सकता हूँ ए या बी में से कोई बैग चूज़ करूँगा राइट शॉर्ट में लिख लिया पूरा लिख लो आप बैग ए ही सेलेक्टेड मैं लिख बता बताना हूँ कि पूरा भी लिख सकते हो मर्जी आपकी ऐसे यहाँ पे बैग बी सेलेक्टेड है लेकिन क्यों लिखेंगे टाइम हमारा वेस्ट होता है तो शॉर्ट में लिख लिया बट अदरवाइज ये मतलब बैग बी सेलेक्टेड यहाँ पे और फिर मुझे अब मैंने अब उसके बाद तिक, जो टिकट निकाली है उस पर नंबर नंबर फोर टिकट टिकट शोज नंबर फोर ये है तो ये है ये दो तरह से नंबर फोर आ सकता है बैग ए सेलेक्ट हो गया इसके हाफ चांसेस हैं कुछ गिवन नहीं है प्रेफरेंस तो हाफ ऑफ इक्वी की प्रॉबेबल मान लेते हैं फिर ये बैग सेलेक्ट होने से नंबर फोर टिकट पे आएगा प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर है क्योंकि एक नंबर फोर है और चार टिकट हैं वन बाय फोर होगी प्रॉबर्टी और मेरे को यहाँ से नंबर फोर आने की ये मैंने एक टिकट सेलेक्ट करी है इसके चांसेस क्या है कि टिकट फोर वाली सेलेक्ट होगी तो छः टिकट है फोर एक है जो फेवरेबल है टोटल सिक्स हैं तो वन बाय हो गया ये तो ऐसे लिख के अब मुझे निकालना है इसकी प्रॉबर्टी निकालनी है टिकट नंबर फोर टी इक्वल टू फोर निकालना है टिकट पे नंबर फोर है मैं इस पात की अब मुझे कंडीशन प्रॉबर्टी नहीं निकालनी मुझे टोटल प्रॉबर्टी निकालनी है प्रॉबर्टी ऑफ दिस इवेंट निकालनी है मैं सारे ये मेरा क्या था अगर पीछे जाके देखेंगे तो सारे पाथ की प्रॉबर्टी को ऐड कर दो ये था राइट तो मैंने ये था मेरा फॉर्मला ए कैपिटल है स्मॉल बी कैपिटल बी ए मतलब ये देखो हाफ आ गया कैपिटल है मतलब ये कैपिटल है ये ऐसे है ये कैपिटल है ये स्मॉल है ये बी है ये कैपिटल बी है इस पाथ की प्रॉबर्टी हाफ कैपिटल है इज़ वन बाई फोर प्लस हाफ इंटू वन बाई सिक्सिफाई कर लिया आपने अगर क्वेश्चन होता कि बैग ए इसके गिवन दैट पे नंबर फोर है ये मेरी कंडीशन प्रॉबर्टी बन हाँ पे, बेस इसे कहते हैं ये प्रॉबर्टी निकालना थ्योरम है तो डिनोमिनेटर तो मेरा ये आएगा डिनोमिनेटर हो गया मेरा स्मॉल ए हाफ इंटू वन बाय फोर प्लस हाफ इंटू वन बाय सिक्स और मुझे यहां चाहिए बैग सेलेक्टेड तो बैग ए कौन सा पाथ है ये पाथ है पहला वाला पाथ है पी वन पाथ है जिसमें स्मॉल कैपिटल आ रहा है ये है ये आएगा, is, uh, आएगा. ये है दिस इज हाउ वी कैलकुलेट राइट तो अगर ये क्वेश्चन देखते हैं हमकी अगर राइट सो बॉक्स ए कंटेन्स फोर रेड बॉल्स राइट एंड फाइव वाइट बॉल्स बैग टू कंटेन्स बैग टू है ये थ्री रेड एंड टू वाइट बॉल्स है टू बॉल्स आर ड्रॉन्ड एंड रेंडम दो बॉल टू बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ये दो बॉल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करिए देखो दो बॉल ट्रांसफर करिए यहाँ से फ्रॉम बैग वन टू बैग टू फ्रॉम बॉक्स वन टू बॉक्स टू वन बॉल इज देन ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स टू यहाँ से बॉल निकालिए बॉल इज ड्रॉन तो दो स्टेज हो गए देखो आप पहले तो ये होनी चाहिए जरूरी है दो बॉल ट्रांसफर करिए बैक वन से बॉक्स टू पहला पहला काम हुआ है फिर हमने बैक टू से बॉक्स टू से एक बॉल निकाली है तो जब भी दो ऐसे स्टेज होंगे एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट होंगे पहले कुछ किया फिर कुछ किया है, तो वहाँ पे हमारा ये बेस थिरम का क्वेश्चन बन सकता है अब निकालना पहले दो पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल फ्रॉम ये व्हाइट बॉल है इसकी इसकी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये वाइट बॉल है जो सेकंड बैग से बॉल निकाली है सेकंड बॉक्स से जो बॉल निकाली है। व्हाइट इसके चांसेस क्या हैं फिर कंडीशन प्रॉबलिटी है ट्रांसफर्ड बॉल वर बोथ गिवन रेड जो बॉल ट्रांसफर करी थी रेड थी बॉल ड्रॉन फ्रॉम दै इट इज गिवन दैट इट इज़ गिवन दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैक टू इज़ वाइट इ गिवन है फाइंड प्रोबिलिटी दैट वी ट्रांसफर रेड बॉल्स फ्रॉम बैक वन टू बैक टू तो अभी पहले किसको डायग्राम बनाएंगे वाला जो बेस थ्योरम का जो मैंने सॉल्व करने का डायग्राम था स्टार्ट है दो ही यहाँ काम हो रहे हैं यहाँ तीन काम होंगे इस बार मैं बैग बॉक्स वन से बॉक्स टू मुझे बॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ वो दोनों वाइट बॉल भी हो सकती हैं एक वाइट एक रेड हो सकती है या दोनों रेड हो सकती हैं तीन केस है तीन 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 हैपनिंग हो सकती हैं स्टेज वन पे जब हम बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैक वन से बैक टू और यहां पे मेरी जो वाइट बॉल आई है सेकंड बैक से वाइट फ्रॉम सेकंड फ्रॉम बॉक्स टू या बैक टू में सेकंड ये तो ये मेरा काम हो रहा है मुझे मैंने डायग्राम बना लिया मुझे इसकी प्रॉबलिटी निकालनी है ये निकालना है मुझे प्रॉबलिटी वाइट फ्रॉम टू ये निकालना है पहला पार्ट ये है अब वो हम पढ़ चुके हैं वो हम ये करेंगे ए कैपिटल ए बी कैपिटल बी सी कैपिटल सी करेंगे राइट right? तो ये निकाल रहे हैं सारी प्रॉबलिटीज ये क्या दो वाइट बॉल ट्रांसफर हुई है बैग वन से बैग टू अब बॉल्स को ड्रॉ किया बैग में से कैसे लिखा है सेमटेनियस कोई ऐसा नहीं लिखा कि एक एक करके किया एक साथ किया है किया है तो हम इसको हम ये प्रॉबलिटी मेरी जो आएगी वो ये आएगी दो फोर वाइट बॉल है सॉरी फाइव वाइट बॉल है फाइव से टू पाँच में से दो वाइट बॉल चूज कर रही हैं टोटल नाइन में से टू वाइट बॉल टू बॉल चूज़ किए प्रमोटेशन का ये वाला फोन लगाएंगे दो बॉल सेलेक्ट करनी है फाइव सी टू वाइट पांच थी सारी डिफरेंट मानते हैं दो ले ली फाइव सी टू टोटल नाइन बॉल्स थी दो लिए नाइन सी टू सेम यहां पे एक वाइट है एक रेड है वाइट पाँच है एक सेलेक्ट करिए रेड चार है इनमें से एक सेलेक्ट करिए टोटल नाइन थी उसमें से दो सेलेक्ट करिए सेम यहाँ पे रेड दो हैं तो फोर सी टू डिवाइडेड बाई नाइन सीट हो तो ये मैं बैग वन से बैग टू में जो बॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ वो दोनों रेड हो सकती हैं दोनों व्हाइट हो सकती हैं एक रेड व्हाइट हो सकती है वो मैंने प्रॉबिलिटीज़ देख ली हैं यहाँ पे फिर मुझे दोनों व्हाइट बॉलेंगे देखना दोनों व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो गई हैं मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पे देखो दोनों वाइट बॉल ट्रांसफर हुई हैं ऊपर यहाँ देखना दिख रहा है ये ऊपर कर लिया मैंने अगर दोनों वाइट बॉल ट्रांसफर करी है मैंने यहाँ पे तो मेरी इस केस में कितनी वाइट बॉल हो गई है यहाँ लिख लेते हैं कितनी व्हाइट बॉल हो गई हैं ये बैग बैग में बैग टू आई है बॉक्स टू आई है कितनी व्हाइट बॉल हैं इस केस में थ्री रेड बॉल चेंज नहीं हुई चार वाइट बॉल हो गई हैं इसके अंदर पहले दो थी दो और एड हो गई चार वाइट बॉल हो गई हैं वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फोर बाय सेवन हो गई इस बार दो पहले वाइट थी दो और एड हो गई हैं चार वाइट बॉल हो गई हैं वाइट को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फोर बाय सेवन है इस वाले केस में इस वाले केस में यहाँ पे देखेंगे तो बैग में मेरा क्या था थ्री वाइट थ्री थ्री रेड थी और टू वाइट थी ये केस टू है मेरा ये केस वन था जिसने मैंने क्या करा दो वाइट बॉल ऐड कर दी चार हो गई यहाँ पे मेरी एक वाइट बॉल ऐड हो गई एक रेड हो गई ऐसे हो रहा है देखो आप एक एक हो रहा है एक एक हो रहा है तो वाइट थ्री हो गई टोटल सेवन है कि पांच पहले थी दो और आई हैं सात बॉल हो गई लेकिन वाइट एक से बड़ी है दो वाइट थी एक नेक और वाइट आई है थर्ड केस में वाइट बॉल एड ही नहीं हुई है केस थ्री में केस थ्री में अगर आप बॉक्स की कंपोजिशन बनाएंगे बॉक्स टू की तो उसमें वाइट बॉल एड ही नहीं हुई है मेरी टू वाइट बॉल थी दो ही रहेंगे रेड बॉल तीन थी उसमें मैंने दो एड कर दिए रेड पाँच हो गई हैं तो प्रॉबल्टी टू बाई सेवन है क्योंकि वाइट नहीं इंक्रीज हुई है रेड इंक्रीज हुई है मुझे रेड वाइट की प्रॉबलिटी चाहिए ये निकालना था मैंने सारी लिख ली मैं ये फोन लगा दूंगा इसके बाद सबको आप वो कर लेना आप सारा यहाँ पे फाइव सी टू बाई नाइन सी टू लिख के इसको फोर बाय सेवन लिख ये सारा लिखना है आपको राइट फोर सी वन इंटू फाइव सी वन डिवाइड बाई नाइन सी टू इंटू थ्री बाय सेवन एंड थर्ड टर्म भी ऐसे लिखनी है लिख देता हूँ बाद में लगे थर्ड टर्म क्यों नहीं आई ये है मेरा फोर सी टू डिवाइड बाई नाइन सी टू इंटू टू बाई सेवन अब मुझे सेकंड पार्ट निकालना है कि इसके चांसेस क्या हैं इसके चांसेस क्या हैं ये तो पक्का है कि वाइट बॉल आई है गिवन है पोशन के अंदर फाइंड प्रोबेबिलिटी इट हैज जो वाइट बॉल आई है इसके थ्रू आई है जब मैंने दोनों रेड बॉल ट्रांसफर करी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स वर ट्रांसफर फ्रॉम बैक वन टू बैक टू कंडीशन प्रॉब्लटी खाली अब अब ये ये मत निकाल के बैठ जाना इसके अंदर कि ये आंसर है रेड बॉल्स फॉर ट्रांसफर फ्रॉम बैक वन टू बैक टू नो कंडीशन प्रॉबल्टी है मान के कि वाइट बॉल आई थी सेकंड बैग से तो कंडीशन प्रॉबर्टी का फॉर्मला लगाना जो मैंने बताया क्या है वो क्या हमने पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कंडीशन प्रॉबर्टी का आर आर गिवन वाइट फ्रॉम टू शॉर्ट में लिख लेते हैं ऐसे तो मेरा डोमिनेटर में ए ए या सी सी आएगा सी इंटू सी और यहाँ पे आएगा ए ए बी बी सी सी फर्स्ट पाथ सेकेंड पाथ थर्ड पाथ सारा ऐड कर दिया ये पूरा देखो ये यही है कि डिनोमिनेटर में आएगा अगर इसको मैं एम कह दूँ एक्सप्रेशन को तो एम यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में खाली ये पार्ट आएगा कि दोनों रेड बॉल सी सी लास्ट पार्ट की प्रॉबलिटी आएगी टू बाई सेवन ये न्यूमरेटर आएगा न्यूनोमेटर में पूरा एम एक्सप्रेशन आएगा तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं बेस्टरम के तो ये, अब हम अब हम अब अब आगे अब इब आप देखते हैं कि टाइम हमारे बस कम रहेगा लेट्स सी द क्वेश्चन दैट केम इन 2020 जनवरी एग्जाम एंड एवरी पेपर हैड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी राइट एवरी पेपर हैड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉबलिटी तो छः पेपर थे छः क्वेश्चन आए थे प्रॉबलिटी के तो हम देख लेते हैं पहला क्या क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन है जो ईजी क्वेश्चन है मैंने ऑर्डर में लगा लिए हैं छः क्वेश्चनों को इन इन टर्म्स ऑफ डिग्री और डिफिकल्टी लेट ए एन बी बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट इंडिपेंडेंट इवेंट है देखो जो मैंने कहा था होगा तभी लेंगे गिवन इंडिपेंडेंट है प्रॉबलिटी ऑफ़ ए वन बाय थ्री है प्रॉबल्टी ऑफ बी वन बाय सिक्स है नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ये बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है बहुत ही लड्डू वाला क्वेश्चन इसे कहते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं आपको ये करना है प्रॉबल्टी ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट हर एक चॉइस को चेक करना है ये क्या हो गया प्रॉबल्टी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फॉमुला लगा रहे हैं या राइट तो ये भी करगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं ए बी सी अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट सीधा आपने कहा प्रॉबल्टी ये तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट अफेक्ट ही नहीं करेगा कॉम्प्लीमेंट को क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है उससे सीधा हमने ये देख लिया और ये कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या by है टू बाय थ्री है ए प्रॉब्लिटी ए वन बाय थ्री है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया टू बाय थ्री रॉन्ग हो गई चॉइस ये मैंने फिर देखा नेक्स्ट चॉइस प्रॉब्लिटी ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट है ये भी प्रॉब्लिटी ऑफ ए ही होगा ये क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट अफेक्ट नहीं करेगी ए को तो आंसर वन बाय थ्री है ये मैच कर गया ये मैच कर गया सी और बाकी भी देखोगे तो गलत आएंगे प्रॉबलिटी ए गिवन बी है मुझे सेम एज प्रॉबर्टी ऑफ ए वन बाय थ्री है तो गलत चॉइस हो गई है ये गलत है तो पता ही हो तो आंसर तो आगे गया रहेंगे एक बार देख रहे हैं लास्ट वाली चॉइस देख लेते हैं एक बार वो भी ऐसे तो क्योंकि उसमें ऐसे आप देखो फर्क है प्रॉबलिटी ए गिवन ए यूनियन बी है तो वहाँ हम फॉर्मुला लगा रहे हैं प्रॉबर्टी ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से राइट डिवाइडेड बाय प्रॉबल्टी ए यूनियन बी तो ये हमें निकालना पड़ेगा तो ये हमने कैसे निकाला है कि प्रॉबल्टी ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है ए को ए यूनियन बी ये है मेरा ये है उसका इंटरसेक्शन मुझे कॉमन पार्ट लेना है किससे ए से तो वो ए ही तो होगा वो ए यूनियन बी का कॉमन पार्ट ए से वो प्रॉबर्टी ऑफ ए आ जाता है डिनिनेटर में डिनोमिनेटर में क्या आएगा प्रॉबलिटी ए यूनियन बी मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी ये है न्यूमरेटर में गिवन है वन बाय थ्री है डिनोमिनेटर में दोनों की प्रोबेबिलिटी को सम करके वन बाय थ्री प्लस वन बाय सिक्स माइनस वन बाय सिक्स माइनस ए इंटरसेक्शन भी वो मल्टीप्लाई कर लेंगे राइट right? वो है पी ए इंटू पी बी उनको मल्टीप्लाई कर लिया तो वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन कर लेना वन बाय थ्री प्लस वन बाय सिक्स माइनस वन बाय एटीन हो गया सिक्स इंटू थ्री दोनों को रिप्लेस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जब ये कर सकते थे पी ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से वन माइनस नीदर ए नर भी थोड़ा इजी पड़ता दोनों में से कोई इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है नीदर ए नर बी तो कैलकुलेशन कम होंगी ये वन बाय थ्री है वन माइनस प्रॉबर्टी ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विथ प्रॉबर्टी बी कॉम्प्लीमेंट क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया वन बाय थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मतलब टू बाय थ्री और बी कॉम्प्लीमेंट इज फाइव बाई सिक्स तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा फर्क पड़ा ज्यादा नहीं राइट तो ये कैंसिल हो गया थ्री आ गया फाइव बाई नाइन है नाइन माइनस फाइव और नाइन बाय थ्री सो थ्री बाय थ्री बाय फोर आ गया ये तो ये गलत आ रहा है आंसर ये दे रखा है एक्चुअल आंसर आ रहा है तो ये हमें काम करना पड़ा लास्ट में बाकी तीनों पार्ट ईजी थे लेकिन हमने अगर ऑर्डर में चलेंगे तो सेकेंड आंसर मैच कर जाएगा आप आगे बढ़ जाओगे क्वेश्चन इजी था ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज

और ये मैंने इसका ये फॉर्मुला ही बताया था इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी तो प्रॉबर्टी ये ऐसे लिख लिया उसको ये चाहिए इस क्वेश्चन में हमें टू बाई फाइव है ये ये क्यों था क्योंकि हमने दिखाई था मुझे ये है ये एग्जैक्टली exactly वन है ये और ये ये ए और ये बी तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओनली ए को पी ए में से माइनस कर दिया जो ए का कॉमन पार्ट बी से था ये था मतलब बताया था मैंने लिख के तो ओनली तभी तो ओनली ए होगा जब ए में से माइनस कर देंगे जो कॉमन पार्ट बी के साथ है ये ओनली बी होगा देखो आप दोनों को हमने प्लग इन कर दोनों को ऐड कर दिया मैंने तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है ये रह, ये रहा मेरा बन गया अब मैं आगे बढ़ता हूं और कंडीशन क्या गिवन है इसमें प्रॉबिलिटी दैट ए और बी अकर ए यूनियन बी यहाँ क्या गिवन है ए यूनियन बी ए और बी हाफ गिवन है उसको मैं क्या लिखूंगा पी ए प्लस पी बी ये पता है हमें एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का फॉर्मूला है कि और जो होता है मतलब एटलीस्ट होता है ए और बी मतलब ए यूनियन बी होता है ध्यान रखना प्रॉब्ल्टी ए और बी मतलब एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी या तो ए हो जाए बी हो जाए दोनों हो जाएंगे तो हम ए और बी भी कहते हैं उसको एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी को यूनियन को ए और बी भी कहते हैं ये मेरा फॉमूला था पढ़ा था हमने एग्जाम्पल भी किया था इस पर हाफ है अब ये देखना एक बार जरा आप क्या क्वेश्चन है मुझे निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम अकर टुगेदर निकालना है मुझे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना मुझे माइनस कर दूंगा इसमें से ये. ये अगर मैं इसको वन मार्क कर रहा हूं इसको टू तो मुझे करना है टू माइनस वन टू माइनस वन करने से पी ए कैंसिल हो रहा है पी भी कैंसिल हो रहा है इसमें से ये माइनस करूंगा तो खाली पी ए पी इंटरसेक्शन भी आ गया देखो आप टू माइनस वन करने से हाफ माइनस टू बाई फाइव है बस एलसीएम लेना है टेन एलसीएम आ गया ये है फाइव ये है टू आ, ये है सॉरी फोर वन बाय टेन हो गया जीरो पॉइंट वन ये क्वेश्चन था इजी था देखो आप राइट ये इजी क्वेश्चन था टू माइनस वन विल सी थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ये भी इजी क्वेश्चन था ये तीनों इजी क्वेश्चन है ये भी कोई इजी क्वेश्चन है बानुमेल एक्सपेरिमेंट बेस्ड है देखिए क्या क्वेश्चन है अभी हमने पढ़ा रिवाइज किया माना मैंने एक्सपेरिमेंट इन अ वर्कशॉप देर आर फाइव मशीन्स एंड द प्रॉबलिटी एनी वन ऑफ देम टू बी आउट ऑफ सर्विस ऑन इज़ वन बाय फोर प्रॉबलिटी आउट ऑफ सर्विस मशीन आउट ऑफ सर्विस हो गई वो हमें गिवन है वन बाय फोर सर्विस में नहीं है वन बाय फोर हो गया इफ प्रॉबलिटी दैट एट मोस्ट टू मशीन्स विल बी आउट ऑफ सर्विस ऑन सेम डे एट मोस्ट टू आउट ऑफ सर्विस होंगी तो आउट ऑफ सर्विस को सक्सेस मान लेते हैं अब अजीब सा लग रहा है बोलने में भी आउट ऑफ सर्विस को सक्सेस मान लेते हैं लेकिन ठीक है क्या क्वेश्चन ही सॉल्व करना है आउट ऑफ सर्विस बानोमल एक्सपेरिमेंट है देखो अब आउट ऑफ सर्विस है इन सर्विस है मशीन ठीक चल रही है सर्विस में है काम चल रहा है उस पर खराब नहीं हुई मशीन आउट ऑफ सर्विस को सक्सेस ले लिया हमने तो सुनने में अजीब लग रहा है आउट ऑफ सर्विस को फेलियर लेना चाहिए था तो उल्टा ले सकते हो ऐसा कुछ है नहीं उसमें क्वेश्चन को उल्टा करना पड़ेगा फिर अभी मैं करना नहीं चाहता और अननेसरी मुश्किल बनाना सक्सेस ये फेलियर ये तो मुझे क्या चाहिए एट मोस्ट टू मशीन विल बी आउट ऑफ सर्विस एट मोस्ट टू मशीन आउट ऑफ सर्विस होनी चाहिए सक्सेस की प्रॉबिलिटी क्या है मुझे आउट ऑफ सर्विस की वन बाय है पी वन बाय है फेलियर की प्रॉब्लिटी क्या हो होगी थ्री बाय फोर होगी क्योंकि दो ही केस हो सकते हैं आउट ऑफ सर्विस है इन सर्विस है दो ही केस है तीसरा कोई केस नहीं है तभी बना एक्सपेरिमेंट बना और कितने ट्रायल हैं ट्रायल ऐसे कोई यार क्वाइन को टॉस नहीं किया है या डाई को टॉस नहीं किया ट्रायल का मतलब है यहाँ पे फाइव मशीन हैं पहली मशीन सेकंड मशीन ये पाँच पाँच ट्रायल की तरह हो गए पांच मशीनें ख़राब होना हो ना पहली मशीन सेकंड मशीन ख़राब भी हो सकती नहीं भी हो सकती थर्ड मशीन ख़राब हो सकती नहीं हो सकती तो एक तरह के पांच एक्सपेरिमेंट हैं या पांच मशीन्स हैं और उनका उनमें सक्सेस फेलियर हो सकता है नहीं हो सकता पहली मशीन सक्सेस फेलियर सेकंड मशीन सक्सेस फेलियर तो ट्रायल समझ लो उनको पांच ट्रायल समझ ली हमने या पांच अब एट मोस्ट मुझे किसकी प्रॉबल्टी निकालनी है प्रॉबल्टी एट मोस्ट एट मोस्ट टू मशीन्स तो मेरा जो आर की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू टू होनी चाहिए दो मशीन ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए एट मोस्ट टू मशीन्स आर लेस इक्वल टू मतलब आर जीरो हो सकता है कोई मशीन ख़राब ना हो जीरो सक्सेस मतलब कोई मशीन ख़राब नहीं हो रही एक सक्सेस आ रही है मतलब एक मशीन ख़राब हो रही है दो सक्सेस आ रही है में दो मशीन खराब हो रही है मुझे इन तीनों की प्रॉबलिटी ऐड करनी है बिल्कुल अभी मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज़ किया था प्रॉबलिटी आर इक्वल टू वन है अगर किसी मैं ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन अगर आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा तो पॉसिबल नहीं हो तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा लिखने के लिए तो क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा तो जब भी क्वेश्चन दिखा रहा होगा मैं उसको नीचे ले आऊंगा प्रॉब्लिट आर ई टू जीरो जीरो सक्सेस है फॉर्मला लगाना है पांच मशीन है फाइव सी जीरो हो गया जीरो सक्सेस पी टू द पार जीरो क्यू टू द पार फाइव फाइव सी वन पी क्यू टू द पार फोर फाइव सी टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब और मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी फाइव सी जीरो वन होता है सक्सेस है नहीं सारे फेलियर हैं थ्री बाय फोर टू द पार फाइव आ गए यहाँ पे फिर मुझे फाइव टाइम्स सक्सेस की प्रॉब्लिटी वन बाय फोर फेलियर की प्रॉबलिटी थ्री बाय फोर टू रिप्लेस ही करना है इसमें टेन या गया वन राइट फॉर्म में लिख लो इन टू थ्री बाय फोर का, का क्यूब ये अब इसको सिंप्लीफाई करना है नीचे फोर टू द दार फाइव आ गया समय सेम आ रहा है यहां थ्री टू द दर फाइव है प्लस फाइव टाइम्स राइट फाइव टाइम्स थ्री टू द है और यहाँ टेन टाइम्स थ्री क्यूब है तो ये आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो आंसर राइट right? आंसर तो अच्छा ये भी थ्री बाय फोर ये ये मैं देखो यहाँ पे इस फॉर्म में था थ्री क्यूब है फोर क्यूब ए टाइम्स के है तो फोर क्यूब मैंने फोर क्यूब भी अलग कर लिया फोर स्क्वायर अलग कर लिया थ्री क्यूब मैंने कॉमन ले लिया इसमें से तो मेरा रह गया थ्री स्क्वायर रह गया नाइन रह गया और ये थ्री क्यूब कॉमन चला गया फिफ्टीन बच गया थ्री क्यूब कॉमन चला गया तो टेन बच गया थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ से अब के मेरा यहाँ से आ जाएगा तो 25 ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन थर्टी फोर डिवाइड सिक्सटीन है के ये वाला पार्ट के होगा के दिस सेवनटीन बाई टू से कैंसिल किया एट कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी सेवनटीन बाई एट आंसर है ये राइट तो बिल्कुल डायरेक्ट बन में था ये तीन क्वेश्चन देखा आपने कैसे ईजी थे अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आ, मैं कहूँगा ईजी क्वेश्चन है लेकिन कंपेरेटिवली कम्पेरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है पहले तीन क्वेश्चन है ईजी नहीं है मैं कहूँगा एट एवरेज टू डिफ़िकल्ट है एवरेज तो है ही एग्जाम में बैठ के करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है एज कंपेयर टू लास्ट थ्री क्वेश्चन अगेन एज कंपेयर टू लास्ट थ्री क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन है इन अ बॉक्स आर ट्वेंटी कार्ड्स हैं आउट ऑफ विच टेन आर लेबल्ड एज ए कार्ड हैं जो मतलब ए करके ऐसे टेन कार्ड्स हैं टेन टाइम्स है टेन कार्ड्स हैं ऐसे और टेन को बी लेवल किया है दस ऐसे है जिनको बी लेवल किया है टाइम्स है ये टेन कार्ड्स हैं या टेन टाइम्स हैं तो ए के टेन कार्ड्स हैं है जिनपे ए लिखा हुआ है कैपिटल लेटर ए और ऐसे दस कार्ड हैं जिनपे बी लिखा हुआ है अब कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम कार्ड्स निकाले हैं कितने कार्ड्स निकाले हैं वो नहीं गिवन एक एक करके निकालते जा रहे हैं वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट फुल रिप्लेस भी कर दिया है टिल अ सेकेंड ए कार्ड इज ऑप्टेन तब तक निकालना है जब तक कि सेकेंड ए कार्ड नहीं आता राइट right? प्रॉबिलिटी दैट सेकेंड ए कार्ड अपियर्स बिफोर द थर्ड बी कार्ड तो ऐसे कई क्वेश्चन अगर शायद प्रैक्टिस आपने क्यों नहीं क्यों तो एक दो और कर लेना ऐसे कि यहाँ पे सेकेंड ए कार्ड यू नो कम्स बिफोर थर्ड बी कार्ड तो पहले केसेस बनाते हैं इसके अंदर पहला केस कैसे बनेगा देखो पहले मैं बना रहा हूं पहला केस बनेगा कि ये मेरा ये तो पता है एक्सपेरिमेंट कब खत्म होगा एक्सपेरिमेंट जब खत्म होगा जब मेरा सेकंड ए कार्ड आएगा तो मेरी जो लास्ट स्टेज है एक एक करे कार्ड निकालना जाना है लास्ट जो कार्ड निकलेगा वो ए होना चाहिए एक्सपेरिमेंट खत्म अब सेकेंड ए आ गया तो जब लास्ट कार्ड निकलेगा मैं यहाँ लास्ट लिख रहा हूँ तो लास्ट से मेरा ए सेकेंड ए होगा देखो आप सेकेंड ए होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि सेकेंड ए कार्ड निकल जाए मेरा सेकेंड कार्ड ए हो

और वन बी होगा एक ए के और एक बी तो दो ऑर्डर आते हैं इसमें एक एक केस बनेगा ए बी और ये तो ए है ये ये है बी ए और ये ए है यहां तो दो ही ये बना था ए यही केस बना था इसमें दो केस बन गए दिस और दिस जब तीन कार्ड पे गेम तीन कार्ड निकाले हैं तब सेकेंड ए आया दो केस बनते हैं ए बी ए बी ए ए राइट तो देखो सेकेंड ए हो गया ना ये वाला अब बी एक ही आया अब अगला केस बनाते हैं फोर कार्ड्स ये है सेकंड ए तो ये ए के आना चाहिए मेरे वन ए कार्ड होगा और दो बी कार्ड होंगे ए तो दो हो नहीं सकते क्योंकि थर्ड ए कैसे सेकंड ए तो मतलब एक ही होगा ना अगर तीन कार्ड है यहाँ पे ये थ्री कार्ड्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे वन कार्ड है चार कार्ड है मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया ना लास्ट को अलग कर लिया यहाँ पे तो अब ये एक बार ए दो बार बी आने चाहिए तो मतलब ये ये, 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 ये ए बी बी हो सकता है बी ए, ए ए हो सकता है और ए बी ए हो सकता है ये हो गया तीन केस यहाँ पर ये तो मेरे इसके अगला केस नहीं आएगा अगर आप देखें इससे अगला कोई पांच कार्ड नहीं 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 पांच कार्ड नहीं होगा आप देखो कैसे पांच फाइव कार्ड्स नहीं आ सकते नहीं क्योंकि ये सेकंड ए हुआ सेकेंड ए आ रहा है यहाँ पे लास्ट अभी एक्सपेरिमेंट एंड होगा उससे पहले मेरा एक वन ए आ रहा है और थ्री बी आ रहे हैं ये कैसे हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन ही में इस प्रॉबलिटी इसके निकालनी है कि सेकेंड ए पहले आ जाए सेकेंड टाइम सेकेंड ए पहले आ जाए बिफोर थर्ड बी कम्स ये तो फिर गलती गलती हो गया तीन बार बी आ चुका है सेकेंड ए बाद में आया है बी तीन पहले आ चुके हैं नहीं ये नहीं मानना हमें तो ये नहीं हो सकता और बी बढ़ते जाएंगे इसके बाद तो यही केसेस बने हैं अब प्रॉबलिटी निकालने रह गई इसके अंदर देखा पहले कैसे क्वेश्चन थे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ सोचने का नहीं था सीधा मैंने एक्सपेरिमेंट किया सीधा हमने मशीन वाले पर मतलब यू नो कैसे क्वेश्चन थे यहाँ पे कंडीशन प्रॉबल्टी है क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये इसमें थोड़ा सोचना पड़ा लॉजिक अब मुझे ये ए की प्रॉबर्टी क्या आ रही हाफ है हाफ हाफ है दोनों ये हाफ हाफ इंटू हाफ आ गया हाफ स्क्वायर हाफ इंटू हाफ ये मेरा प्रॉबलिटी ए हाँ की भी हाफ है बी की भी हाफ है तो इसकी प्रॉबलिटी दो केस की प्रॉबर्टी है यू नो हाफ का क्यूब इंटू हाफ का क्यूब दोनों सॉरी एक हाफ के दोनों ऐड करना हाफ क्यूब प्लस हाफ क्यूब ये यहाँ मुझे करना है सबकी प्रॉबर्टी इसकी प्रॉपर्टी वन बाय एट है इसकी प्रॉबर्टी भी वन बाय टू क्यूब मतलब वन बाय एट या वन बाई एट है तो थ्री बाय एट सीधा लिख लिया मैंने 1 by 8 plus 1 by 8 plus, लिख लो चलो बाद में कर लेना अगले स्टेप में लेकिन यही है तीन तीन केस बने हैं इस बार मेरे तो ये फोर प्लस टू बाई एट एट प्लस टू बाई एट है ये भी 2 by 8 है सॉरी गलत कर दिया ये चार कार्ड निकाले थे टू क्यूब कैसे आ रहे हैं मैंने गलत लिख दिया ये एक में ए भी था ये तो सब है ही है तो चार कार्ड थे तो वन बाय बाय राइट तो ये मेरा बन रहा है टू बाई एट और ये थ्री बाय सिक्सटीन तो सिक्सटीन एल सी एम लिया मैंने तो ये फोर आ जाएगा ये टू आ जाएगा और ये थ्री है तो इलेवन बाय आंसर है इलेवन बाय थर्टी टू आंसर है थर्टी टू एल सी एम ले सिक्सटीन भी ले सकते हैं तो सिक्सटीन एल सी लिया सिक्सटीन तो लिया ये ये फोर है यस yes, ये टू है और ये थ्री है तो नाइन बाय सिक्सटीन आंसर है yes, नहीं 11 by 16, right, 11, ये नाइन गलत कर दिया इलेवन था तो ये क्वेश्चन था देखा आपने केसेस 6 बना के फिर उनकी सबकी प्रॉपर्टी ऐड किया हमने मैंने क्यों मुश्किल था रिलेटिवली मुश्किल था लास्ट से अब ये क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग है बोनस मार्क्स मिल गए थे सबको इसमें तो क्योंकि आंसर कोई नहीं आ रहा है इसके अंदर क्वेश्चन ये है इसमें एक क्वेश्चन uh, में देखो अभी मैं uh, जो टॉपिक है परमिटेशन कम्बिनेशन का टॉपिक यूज होगा डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन इंटिकल ऑब्जेक्ट तो वो अभी तो टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते मैं आइडिया दे देता हूँ उसको समझ आए ठीक है नहीं तो हम जब परमोटेशन की क्लास होगी हमारी तब हम रिवीजन क्लास होगी तो हम कर लेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स तो इसमें हमारे फॉर्मुले होते हैं जैसे मेरे को ये है मैंने क्विकली एग्जांपल से बताया था हूं, जैसे मान लो छः ऑब्जेक्ट है मेरे डिफरेंट है सारे उनको डिवाइड करना है तीन ग्रुप में एक एग्जांपल से बता देता हूं मैं और ग्रुप मेरे ऐसे हैं कि जैसे जीवन G2, G3 जी थ्री इसको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसको दो ऑब्जेक्ट हैं इसको तीन ऑब्जेक्ट हैं ऐसे मिल रहे हैं राइट right? तो अब सिक्स फैक्टोरियल अच्छा उसको समझ आएगा जिसने मेरी क्लास अटेंड करी है उनके लिए रिविजन तब भी ठीक है जिसने नहीं किया अपने स्टाइल में किया है तो वो आप खुद कर सकते हो सिक्स फैक्टोरियल मेरा है मुझे दो फॉर्मले बनते हैं एक डिवीजन का और एक डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन का मतलब ये मान लो डिवीजन का मतलब होता है कि ये मेरा फॉर्मला ये होता है सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल जितने ऑब्जेक्ट हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फैक्टोरियल गो इन द गोन्यूमिनेटर एंड फैक्टोरियल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप विल गो इन डिनोमिनेटर इसको ऑब्जेक्ट मिला है तो वन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में इसको टू ऑब्जेक्ट्स मिले हैं तो टू फैक्टोरियल आया है थ्री ऑब्जेक्ट्स मिले हैं थ्री फैक्टोरियल आया सो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो ग्रुप्स को मिले उनके फैक्टोरियल आ रहे हैं ऊपर आ रहा है, तो टोटल जितने लेके डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप जितने ग्रुप्स ये थ्री ग्रुप्स हैं यहाँ पे ये मतलब है तो ये सेम सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया मैंने थ्री मेरे तीन ग्रुप थे मेरे। तो ये मेरा डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का है ऐसे अब नज़र आ रहा होगा मैंने फ़र्क क्या है दोनों में फ़र्क ये होता है कि मेरा अगर इसे जीवन है ये जी टू है ये जी थ्री है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि मैंने इसको मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने ओ वन दे दिया है इसको इसको मैंने ओ टू और ओ थ्री दी हैं इसको ओ फोर ओ फाइव ओ सिक्स दिए ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी हो सकता है कि इसको मैं ये एंट्री उधर चली जाए जो तीन ऑब्जेक्ट हैं वो जीवन के पास भी चले जाएँ ये मतलब नहीं जीवन फिर है कि एक ग्रुप को एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है दूसरे ग्रुप को दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तीसरे को तीन मिल रहे हैं तब डिस्ट्रीब्यूशन होता है हाँ फिक्स है कि फर्स्ट ग्रुप को जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसको एक ही मिलना चाहिए सेकंड को दो ही मिलने चाहिए थर्ड को तीन ही मिलने चाहिए तब हम डिवीजन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं जो हमने डिवीजन किया है उसको आप रोटेट भी कर सकते हैं किसी एक को तीन मिलने चाहिए वो कोई भी हो सकता है जीवन भी हो सकता है जी टू भी होता है जी भी हो सकता है नंबर वन टू थ्री रहेगा लेकिन उनको थ्री किसी को भी मिल सकते हैं टू भी किसी को मिल सकते हैं वन भी किसी को मिल सकते हैं तब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिवीज़न है कि पक्का ये ग्रुप है एक ही मिलना चाहिए ये ग्रुप है दो ही मिलना चाहिए ये ग्रुप को तीन मिलना चाहिए तो हम डिवीजन करते हैं तो ये है तो मैं मान ही रहा हूँ कि उसको ही समझ आएगा जो जिसने मेरी क्लास अटेंड करी होगी जब मैंने पढ़ाया होगा ये तभी कोशिश है कि किसी और को समझना है तो ये है एक है इक्वल डिवीज़न सेकंड केस होता है इक्वल डिवीजन क्योंकि हो सकता है आपने जहाँ भी पढ़ा है अगर आपने वी में नहीं थे आप अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं आज यहाँ पे तो आपको फिर होता है डिफरेंट तरह से किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो वैसे ही कर लो ये अन कहते हैं इसको तीनों ग्रुप्स कंटेन अनईक्वल ऑब्जेक्ट्स इक्वल है अन है ये इक्वल है इक्वल मतलब इक्वली डिवाइड कर दिया तीनों को इक्वल कर दिया तो यहाँ पे जो डिवीजन का आंसर आता है कॉन्सेप्ट डिवीजन का वही था डिवीजन का आंसर आता है सिक्स फैक्टोरियल टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल का क्यूब सारे इक्वल है ये है आ, ये आता है इसमें टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल ये वन बाय थ्री फेक्टोरियल भी आता है राइट तो ये थ्री क्यों आया पे फैक्टोरियल नंबर ऑफ ग्रुप जितने थे यहां था फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स ये और डिस्ट्रीब्यूशन आता है मेरा सेम है होता फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स तो ये मेरा बन जाएगा सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल क्यूब राइट तो डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर बन गया ये ये हमने ये करना है थर्ड केस था जो मेरा इक्वल एज वेल एज अन इक्वल इक्वल ग्रुप भी हो सकते हैं ग्रुप इक्वल मतलब ग्रुप्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल एंड अन इक्वल दोनों आ गए इसमें कुछ ग्रुप इक्वल भी हो सकते हैं कुछ अन इक्वल भी हो सकते हैं तो मेरा ये आएगा मान लो फाइव को मैं ऐसे करना है थोड़ा सा एग्जाम्पल ये ले लेते ले हैं टेन को करना है टू टू टू, टू और थ्री राइट right, और थ्री ले लिया चलो ट्वेल्व हो गए ये करना है डेबाइड इक्वल भी है अन इक्वल भी हैं इसको कैसे लिखेंगे तो जो मेरा डिवीजन का फॉर्मूला है वो देखना कैसे है ट्वेल्व फैक्टोरियल है और नीचे वो जितने हर ग्रुप के हर ग्रुप में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल तो टू फैक्टोरियल तीन बार आएगा क्यूब थ्री फैक्टोरियल दो बार आएगा स्क्वायर है लेकिन अभी और काम भी करना है ये कितने इक्वल हैं जी वन इक्वल टू जी टू इक्वल टू जी थ्री है तीन ग्रुप आपस में इक्वल हैं जी फोर इक्वल टू जी फाइव है तो ये तीन आपस में इक्वल होने के लिए हमें थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ता है ये दो ग्रुप आपस में इक्वल है वन बाय टू फैक्टूल से डिवाइड भी करना है टू फैक्टर से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो जितने इक्वल ग्रुप हैं आपस में उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो राइट पिछले पार्ट में सारे इक्वल थे राइट तो हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स आ गए यहां पे इक्वल ग्रुप कौन से हैं तीन थे इक्वालिटी ऑफ टाइप वन है दो 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 तीनों पांचों इक्वल नहीं है तीन एक से इक्वल है दो एक से इक्वल है तीन ग्रुप ऐसे हैं को 2, 2, टू ईच है थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड करें बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस राइट बिकॉज ऑफ दिस ये किया है बिकॉज ऑफ दिस ये किया हमने ऐसे करना डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन का सेम फॉर्मूला है तो क्विकली मैंने बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन का सेम फॉर्मूला है डिविजन इंटू फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स वो यहाँ पे क्या आएगा डिवीजन यहाँ से कॉपी कर लोगे ये क्या आएगा फाइव फैक्टोरियल पांच ग्रुप हैं टोटल फाइव है टू और फाइव आएगा, आएगा. यहाँ पे एक फॉर्मुला अलग बनता है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्वल ग्रुप्स कि डिस्ट्रीब्यूट करना आपस में ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं जो इक्वल ग्रुप्स हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है ट्वेल्व फैक्टोरियल डिवाइड बाई इतना ही बनता है खाली टू फैक्टोरियल का क्यूब थ्री फैक्टोरियल का स्क्वायर ये फॉर्मूला बनता है उसमें ये वाला पार्ट था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यू you नो know, जो जितने जिसमें ग्रुप्स हैं जितने जितने ऑब्जेक्ट हैं ग्रुप हैं वो फेटोरियल से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या ये इसको नीचे ले जाता हूँ कॉपी करके तो मेरी क्लास लंबी हो गई है क्योंकि काफी कुछ था मैं टेन मोर मिनट्स अबाउट टू राइट सो इफ टेन डिफरेंट टेन डिफरेंट बॉल्स आर टू बी प्लेसड इन फोर डिस्टिंग बॉक्सेज हैं और टेन बॉल्स को प्लेस करना है तो पहले समझना सारी बॉल्स जो है मेरी टेन डिफरेंट हैं बी वन से बी टेन तक है और उनको बॉक्सेज में बॉक्सेज भी सारे डिफरेंट हैं लिखा हुआ है टेन डिफरेंट बॉक्सेस राइट बॉल्स को स्मॉल से कर लेते हैं ये बॉक्सेज B1, B2, B3, टू है तो क्वेश्चन पहले समझना है कि कॉन्सेप्ट आप पहुंचना है तो बॉल्स हैं बॉक्सेस में प्लेस करना है मतलब बॉल्स को बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये मतलब है और किस तरह से करना है द प्रॉबिलिटी दैट टू ऑफ दिस बॉक्सेस कंटेन एग्जैक्टली टू एंड थ्री बॉल्स तो दो ऐसे बॉक्स होंगे जिसमें टू और थ्री बॉल्स होनी चाहिए तो मैं अगर केसेस बनाऊँ क्या बनते हैं बी वन बॉक्स थर्ड बॉक्स फोर इसमें से दो ऐसे बॉक्स होंगे जिनमें बॉल टू और थ्री होनी चाहिए तो यहाँ मैंने मान लेते हैं इसमें टू हैं इसमें थ्री हैं कोई भी बॉक्स हो सकता है वो भी हम बाद में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कवर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं लिखा कि पहले दो बॉक्स में टू और थ्री बॉल होने चाहिए किसी में भी हो सकती हैं तो बाकी केस क्या बनेंगे ये बना इसमें जीरो बॉल आ गई इसमें फाइव बॉल आ गई ये केस बना एक इसमें बाकी, टोटल टेन बॉल्स है ना टेन फाइव बच गई हैं ये वन बॉल आई फोर आ गया ये टू और थ्री है ये ऐसे है ये केस आ गया अब एक इसमें जो बाकी ये वाला केस था उसमें कंफ्यूजन थी लेना लें वैसे तो लेना भी पड़ेगा टू थ्री है इसमें फिर टू थ्री आ गया देखो आप ये आ गया फिर इसमें थ्री टू टू थ्री तो ये केस तो हम अलग लेते नहीं है हम डिस्ट्रीब्यूशन से मैनेज कर लेते हैं टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री सेम ही तो है तो ये तो हमें लेंगे नहीं ये मेरे केस बन रहे हैं क्योंकि सेम ही ऑब्जेक्ट है ना वो अब अब, कर, अब हम अब ये बस ये क्या फर्क है इसमें थ्री मैंने टू और फोर के साथ लिखा है या थ्री मैंने टू और थ्री के साथ लिखा है वो डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मला लगा लेंगे अब ये इसमें कंफ्यूजन नहीं आ सकती है किसी को कि हमें लिखा था दो बॉक्स में टू और थ्री बॉल्स हैं एक्जैक्टली वर्ड नहीं था एक्जैक्टली टू बैग शुड हैव 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 टू 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 थ्री 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 बॉल्स 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 शुड एंड एंड बट अदर कैन ये नहीं लिखा था कि एक ही बॉक्स में टू बॉल होनी चाहिए और एक ही बॉक्स में थ्री बॉल होनी चाहिए हाँ दो ऐसे बॉक्स में टू और थ्री बॉल्स होने चाहिए जो बाकी दो में भी टू और थ्री हो सकते हैं तो ये केस लेना पड़ेगा लेकिन थोड़ा और क्लियरली लिखते तो तो आंसर दोनों से नहीं आ रहा अब अगर मैं ये वाला केस लू ना लू थर्ड वाला तब भी आंसर नहीं आ रहा तो दोनों से मैंने चेक कर लिया तो आंसर नहीं आ रहा और बोनस मार्क्स मिले भी थे इसमें तो आप भी कैलकुलेट करके देख लेना तो ये केस बन गई इसका आंसर क्या आएगा मेरे को मैं केस वन टू थ्री कह देता हूं वन टू थ्री मतलब वन टू थ्री केस जो है मेरे क्या आंसर आएगा तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसमें इस वाले केस में ये तो जीरो हट गया अनइक्वल है तो फॉर्मूला मेरा ये आ गया केस वन का टेन टेन बॉल्स है टेन फैक्टोरियल फर्स्ट का फॉर्मला ये डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल थ्री फेक्टोरियल फाइव फेक्टोरियल और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए फोर फैक्ट्रल कितने टोटल ग्रुप हैं चार ग्रुप हैं फोर फोटल से मल्टीप्लाई भी करेंगे चार बॉक्सेज हैं फोर फेटल से मल्टीप्लाई करा इसका आंसर लिख रहे हैं इसमें भी सारे अन ऑब्जेक्ट्स हैं पहला वाला फॉमूला टेन फेक्टोरियल वन फेक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विथ फोर फैक्टोरियल नंबर ऑफ ग्रुप्स है ये जो थर्ड केस है अगर ये लेना है थर्ड केस लेंगे तो इसमें इक्वल एज वेल एज अनिक्वल थर्ड केस वाला फॉमुला लगेगा इसके अंदर राइट थर्ड केस का ये देख लो ये इसका ये केस वन का आंसर है ये केस टू था ये केस ये तो मैं यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है जो मैंने फॉर्मूला पता इक्वल अन एकवल का था वो वाला फॉर्मूला लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ये वाला राइट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला वो था मेरा पहले डिवीजन तो लिखते हैं ट्वेल्थ फैक्टोरियल डिवाइडेड टेन फैक्टोरियल सॉरी टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल का स्क्वायर थ्री फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये तो जितने ऑब्जेक्ट्स थे उतने लिख लिया। अब दो, दो आपस में है। ये दो ऑब्जेक्ट -दो थेल आया जी थ्री इक्वल टू जी फोर था और में थ्री ऑब्जेक्ट्स थे इसलिए टू फैक्टोरियल आया और मुझे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने फोर से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे तो जैसे भी आपने पढ़ा होगा जिसने डिफरेंट तरह से पढ़ा है तो इन तीनों का में तो अगर मैं ये वाला थर्ड वाला केस हटा के भी सम करता हूँ तब तो भी आंसर नहीं मैच कर रहा है इसको लेके भी मैच नहीं कर रहा तो ये क्वेश्चन है फिर कैलकुलेशन भी करनी है देखा आपने क्वेश्चन डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू जो पहले क्वेश्चन किए हमने उनसे डिफिकल्ट था तो ये परमोटेशन का सारा कॉन्सेप्ट लगाना था जिसमें डिवीजन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंटू डिफरेंट ग्रुप्स नॉन एंटिकल ऑब्जेक्ट्स इंटू डिफरेंट ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट था ये जो हमारे तीन केस बनते हैं इक्वल डिवीजन अन एकक्वल डिवीजन इक्वल एज इक्वल एज वेल एज अन इक्वल अगर आपने डिफरेंट तरह से पढ़ा है तो अब ऐसे कर लोगे अब ये क्वेश्चन सब औरों से भी थोड़ा डिफिकल्ट था ये टाइम भी लग रहा था इसमें डिफिकल्ट मतलब अगर मैं पहले किया है तो कर सकते नहीं तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे क्वेश्चन ये मतलब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले अनबायस कॉइन इज टॉस फाइव टाइम्स बायस नहीं है फाइव टाइम टॉस किया है प्रॉबलिटी ऑफ सक्सेस भी हाफ है और प्रॉबलिटी ऑफ फेलियर भी हाफ है राइट right? तो मतलब सक्सेस फेलियर अभी हेड को ले लेते हैं पहले हेड जो भी मतलब प्रॉबलिटी ऑफ हेड हाफ है और प्रॉबलिटी ऑफ टेल भी सक्सेस फेलियर भी देखते हैं जरूरत है डिफाइन करने की हाफ है अब क्या लिखा है कि सपोज दैट अ वेरिएबल एक्स इज असाइन टू द वैल्यू के वेरिएबल एक्स है रैंडम वेरिएबल एक्स है उसको वैल्यू के असाइन करनी है वैन के हेड्स आर ऑप्टेन अगर के हेड्स आ रहे हैं फाइव थ्रोज में से के कंजीकटिव हेड आ रहे हैं तो उसको वैल्यू के असाइन कर दो और फॉर थ्री फोर फाइव अदरवाइज एक्स को माइनस वन वैल्यू देनी है तो मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा मुझे पूरा ऐसे प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्स की वैल्यू मतलब के की वैल्यू के मेरा अगर जीरो हो सकता है मतलब जीरो कंजिकटिव जीरो कंजिकटिव हेड्स हैं के की वैल्यू वन हो सकती है वन कंजीकटिव हेड है टू कंजिकटिव हेड्स हैं थ्री कंजीकटिव हेड्स हैं फोर कंजीकेटिव हेड्स हैं फाइव कंजिकटिव हेड्स हैं क्वेश्चन दे तो दिया किसी ने लेकिन ने देखा कि बाकी क्वेश्चन और कितना इंबैलेंस है ये सारी प्रॉबर्टीज़ निकालनी पड़ेंगे पूरा प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा मतलब मुझे पी निकालना पड़ेगा ये वाला ये सारी प्रॉब्लिटीज़ निकालनी है राइट तो इसमें और साथ में ये भी लिख लेते हैं कि इस केस में जो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मुझे एक्स जो असाइन करना है मुझे तो एक्स यहाँ पे आएगा केस जीरो है तो लिखा है माइनस वन असाइन कर दो एक्स की वैल्यू को ये है तो माइनस वन करना है ये है तो माइनस वन करना है हाँ थ्री फोर फाइव है तो एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी फोर आ जाएगी फाइव आ जाएगी ये बना है क्योंकि मुझे मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है मतलब मुझे रैंडम वेरिएबल एक्स मान के मीन निकालना है एक्स की वैल्यू का मीन निकालना है तो जनरली हम ऐसे या एक्स की वैल्यू मान के मीन निकालना है राइट तो या तो बानुबुल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पहली बात तो इसमें समझना है मुझे तो तो हम हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें जो मेरा फॉर्मूला होता है मतलब पहले तो मैं एक्स निकाल लूँ फिर एक्स जो आएगा मतलब एक्स मान लो एक्स की वैल्यू मतलब एक्स वन एक्स की वैल्यू अगर सपोज़ ये ऐसे है कि अगर आप मतलब ये ये समझो एक्स आई इंटू पी आई करना है मुझे ऐसे करना है सबमिशन आई वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू फाइव ये है, तो मुझे आ, x0 नॉट इंटू पी नॉट यह सब करना है एक्स वन इंटू पी वन मगर एक्स की वैल्यूज एक्स नॉट है तो पी नॉट उसकी प्रॉबल्टी है मल्टीप्लाई करते जाओ ये करना है एक्स टू इंटू पी टू गोजोन तो यहां पे मेरा इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी और ये है मेरा प्रॉबल्टी जीरो कंजटिव हेड्स फिर माइनस वन लेनी है एक्सपेक्ट क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस वन आसाइन कर गया अगर मेरी वन कंजिकटिव हेड आ रहा है वन कंजिव हेड आ रहा है पी वन इज वन कंजीक्यटिव हेड वन कंजेटिव है पी वन लिख लिया उसको ऐसे मुझे फिर माइनस वन लेना है अगर मेरे टू कंजेटिव हेड है टू कंजेटिव शॉर्ट में लिख रहा हूँ टू कंजेटिव हेड है यहाँ पे ये करना है फिर मुझे करना है थ्री आ जाएगा अगर थ्री कंजेटिव हेड है ये क्वेश्चन में लिखा था कि थ्री फोर फाइव के लिए एक्स की को के असाइन करना है अगर के थ्री है अगर के थ्री है तो एक्स की वैल्यू को थ्री दे दो आप अगर एक्स के फोर है तो फोर दे दो फाइव है तो फाइव दे दो फोर टाइम्स पी फोर

करना है अगर फाइव कंसेक्यूटिव हैड है तो ये मेरे को सारी वैल्यूज निकाल के यहाँ निकालनी पड़ेगी अब ये कोई आसान नहीं था निकालना टाइम लगेगा तो अब जीरो कंसेक्यूटिव हैड मतलब सारे टेल है पहला केस लेते हैं के वैल्यू के, के ज़ीरो मतलब जीरो कंसेक्यूटिव हेड है तो मेरा पी वन क्या आ गया वन जीरो कंसेक्यूटिव हेड पी जीरो क्या आ गया जीरो कंसेक्यूटिव हेड तो सारे टेल हैं एक ही केस आ रहा है खाली पाँचों टेल हैं इसके मतलब हेड ही कोई नहीं भी है कंजेटिव नहीं है राइट तो वन बाय टू टू द पावर फाइव आ गया वन बाय थर्टी टू आ गया ये आंसर क्या लिख लिया वन बाय थर्टी टू हमने

और फिर टेल हो गया या फिर क्योंकि कंजेटिव चार ही होने चाहिए तो एक टेल तो होना पड़ेगा नहीं तो पांचों कंजेटिव हो जाएंगे ये दो केस ही बनते हैं खाली इसमें तो इसकी प्रॉबलिटी वन बाय थर्टी टू इसकी प्रॉबलिटी भी वन बाय थर्टी टू तो टू बाय थर्टी टू हो गई फोर कंजेटिव हेड्स थ्री कंजेटिव हेड पे आते हैं कि इक्वल टू थ्री थ्री हेड्स हमारे कौन से केस बनेंगे थ्री कंजेटिव हेड मतलब ये एच 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 तीन बार आना चाहिए और ये टेल होना चाहिए टू ब्रेक द कंटिन्यूटी ये फिर एक्स है कुछ भी हो सकता है हेड और टेल हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कंजेटिव हेड तीन होने चाहिए ये नहीं कहा कि सिर्फ तीन ही हेड होने चाहिए कंजेटिव हेड तीन होने चाहिए हेड तो चार भी हो सकते हैं बट इट इस डिफ्रेंट दैन फोर कंजेटिव हेड फोर कंजेटिव हेड में तो मेरे चारों एक साथ थे ये वाला एक साथ नहीं आएगा ये साइड में है ये बीच में टेल आ रहा है फिर ये मैं इसको आगे मूव कर दिया सेट को चार कंजेटिव ना हो तो मुझे टेल होना पड़ेगा इसको और ये भी टेल होना पड़ेगा नहीं तो चार कंजीकेटिव हेड हो जाएंगे तो तीन के आसपास टेल पुट करना ही पड़ेगा इसके आसपास टेल रखना ही पड़ेगा तो दो केस बन रहे हैं ये ये कितना बन रहा है वन बाय थर्टी टू ये बन रहा है वन बाय देखो वन बाय सिक्सटीन है ये और ये है मेरे दो केस होते हैं हेड टेल हेड टेल ये वन ही समझ लो वन है ये ये इसको लिख लो कुछ भी दो केस नहीं है तो टू बाय थर्टी टू ये सॉरी एक है तो कुछ भी हो सकता है वन ही लो उसको अब ये राइट right? तो मेरा ये समझो टू बाय थर्टी टू हो गया तो थ्री बाय थर्टी टू हो गया अब टू कंजिकेटिव हेड और वन कंजेटिव हेड देखना है टू कंजेटिव हेड तो अब k इक्वल टू 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 कंजेटिव हैड पहले हेड हेड केसेस ले लिए ये टेल होना चाहिए एक्स एक्स फिर मेरा टेल हेड हेड टेल एक्स फिर हो गया एक्स टेल हेड हेड टेल फिर फोर्थ एंड लास्ट केस हो गया ये लास्ट में आ गया ये ऐसे आगे आगे बढ़ रहा है लास्ट में दोनों हेड है ये टेल है ये एक्स एक्स है तो इसमें एक गलती हो सकती है पक्का ध्यान देते है अभी मुश्किल था अभी क्वेश्चन ये ये केस काउंट करने तो यहाँ पे मतलब वन बाय एट हो गया एक्स मतलब वन कुछ भी आ सकता है टेल तो वन प्रॉब्लिटी है मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इसकी प्रॉब्लिटी हाफ पहले हेड की सेकंड की भी हार्ड हाफ और थर्ड टेल की भी हाफ प्रॉब्लिट है वन बाई एट है एक्स मतलब कुछ भी आ सकता है हेड टेल वन प्रॉब्लिटी है तो ऐसे मल्टीप्लीसन थ्योरम से हमने सारी प्रॉब्लिटी को मल्टीप्लाई करा वन बाई आ गया ऐसे ये सबसे सबकी की हाफ है चार केस की वन बाय आ जाएगा राइट इसको थ्री टू फॉर्म में देख लो फोर बाय है ये ये टू बाई है ये भी चार हाफ चार बार हाफ आएगा डिनोमिनेटर में तो ये ये है वन बाय सिक्सटीन है तो मतलब टू बाय थर्टी टू है ये तीन बार टू आएगा डिनोमिनेटर में तो ये वन बाई एट है मतलब फोर बाय थर्टी टू वो ये आपने अगर कर दिया तो मिस्टेक हो जाएगी ये बन रहा वैसे कर लेता हूँ पहले मैं ट्वेल्व बाय थर्टी टू आ रहा है ये ऐड करके राइट ऐड करना है सबको ट्वेल्व बाई थर्टी टू है तो ये आप देखो मैं नीचे लिख देता हूँ सम इसमें एक केस रिपीट हो गया एक्चुअली कौन सा केस रिपीट हुआ है इसके अंदर जो कि एकदम एग्जाम में तो फिगर आउट करना मुश्किल था ये वाला इसमें और उसमें एक केस रिपीट हो गया क्या हुआ है? इसमें एक केस आएगा हेड हेड टेल हेड हेड नहीं ये नहीं आ, या या राइट ये वाला केस देखो इसमें ये केस यहां है और ये केस यहां भी आया हैड हेड एक्सेक्स में हेडेड भी हो सकता है टेल हेड हेड ये देखो ये केस में जब एक्सेक्स की वैल्यू कुछ एक्स में तो कुछ भी हो सकता है चार केस बनते हैं टेल टेल हेड 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 टेल 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 चार केस बनते हैं हेड उसमें से एक केस देखो आप ये भी हेड हो गया ये भी हेड हो गया यहाँ पे इसमें भी चार केस थे हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल हेड इसमें ये केस इसमें दो केस ये केस हमने दो बार काउंट कर लिया ये एक बार हटाना पड़ेगा हमें तो ये इसकी ना आके रिमूव करके एलेवन बाय थर्टी टू बनता है ये वाला ये बनेगा इस बार रिमूव दिस केस रिपिटेशन हटा के इलेवन बथा रेडू बनता है तो मैंने इलेवन बथा डिडू ले लिया अब देखना एक हेड आ रहा है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी होगा एक हेड है एक मतलब एक कंजीकटिव है इसका मतलब नहीं एक हेड है एक कंजीकटिव हेड है तो हम मान रहे हैं कि एक ही हेड है तो उसको ऐसे निकालना पड़ेगा या आप और सोच लेना कि पांच मेरे पांच टॉसेज हैं मतलब तो पांच वो हैं टॉसेज हैं तो एक पहले मान लेते हैं एक ही पे हेड आना है तो हेड इस पे आगे आ सकता है बाकी सब पे टेल है पहले ये वाला केस ले रहा हूँ मैं ये हेड सेकंड पे आ गया बाकी सब पे टेल है थर्ड पे हेड आ गया बाकी सब पे टेल है तो ये मैं करूंगा तो मेरा बनेगा फाइव केसेस गया, गया।, right? गया। आ गए राइट फाइव केसेस आ गए कि फर्स्ट पे हेड आया सेकंड पे हेड आया फाइव फाइव बाई थर्टी टू हो गया ये फिर मैंने लिया दो हेड है मेरे लेकिन दोनों साथ नहीं होने चाहिए दो हेड आ रहे हैं तो मैंने जैसे करा कि दो हेड आने हैं और तीन टेल हैं लेकिन दोनों हेड अलग होने चाहिए तुम तो जैसे नहीं करते हैं कि प्रमोटेशन में क्वेश्चन होता है कि जिसमें टू शुड नॉट बी टुगेदर इन हाउ मेनी वेज यू कैन प्लेस देम इन हाउ मेनी वेज यू नो हाउ मेनी केसेस आर देयर सच दैट बोथ द हेड्स आर सेपरेटेड नो टू ऑफ देम आर टुगेदर तो मैं ऐसे तीन टेल लेके उनके बीच में तीन पोजिशन आती हैं चार पोजीशन आएंगे तीन टेल के साथ चार पोजीशन आती हैं जहाँ पे दो हेड प्लेस कर सकते हैं फोर सी टू तो अपने दो पोजीशन चेस चूज़ कर ली इतने केस बनते हैं ये राइट तो मेरे ये सिक्स केस बन गए सिक्स बाय थर्टी टू और फिर अगर मैं अगला केस ले रहा हूँ कि मेरे अब तीन हेड हैं तीन हेड आ रहे हैं कॉजिटिव नहीं हो सकते अलग है। अलग हैं तो दो टेल बच गए हैं दो टेल में इनको प्लेस करने की कितनी पोजीशन है एक ही तरीका है सिर्फ अगर मुझे तीन हेड प्लेस करने हैं दो टेल हैं उनके बीच में तो एक ही केस बन रहा है सिर्फ राइट ये तीन है तीन हेड है तीन पोजीशन है एक ही केस बन रहा है एक केस है वन बाय थर्टी टू किया आ गया तो इनको ऐड करेंगे तो ट्वेल्व बाय थर्टी टू आएगा अब और को देखना परमोटेशन में और किस तरह से निकाल सकते हो क्वेश्चन ये था एक ही हेड होना चाहिए सिर्फ नहीं सॉरी एक कंजीकटिव हेड होना चाहिए हेड तो ज़्यादा भी हो सकते हैं तो ये सारे केसेस हमने लिए हैं पहला हेड में अगर देखो तो ये केस लिए थे हमने केसेस किए हैं जो बारह केसेज हम उनके मैं आइडिया दे रहा हूँ कि ये केस था हेड है एक हेड बाकी टेल और फिर सेकेंड पे हेड आ गए टेल हेड टेल, टेल 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 ऐसे चल रहे हैं केस फिर मैंने दो हेड वाले केस लिए हैं ऐसे वाले हेड भी लेकिन साथ नहीं होने चाहिए वो ये वाला केस लिया टेल हैड सारे केस नहीं बना रहा हूँ दिखा रहा हूँ तुम्हें इस तरह का काम किया हमने ये वाला चलते जा रहे फिर हमने तीन हेड वाला केस लिया जो कि एक ही केस आया था तीन हेड वाला एक ही केस आएगा हेड टेल हेड टेल हेड एक ही केस आया है और कोई केस हो ही नहीं सकता तो ये हमारे बारह केस बने हैं तो ये फिर मेरा पूरा प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन देखा आपने कितना टाइम लगाया इस क्वेश्चन में ट्वेल्व बाय थर्टी टू तो ये सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करके कैलकुलेशन करनी है आपने तो वन बाई एट आंसर आता है राइट तो ये आंसर वन बाई एट आता है तो वो अब मल्टीपल पेपर हैं ये तो किस्मत है अपनी कि लेकिन वो नॉर्मलाइज कर लेते हैं अगर आ, उसमें एवरेज स्कोर कम गया है तो दे कंसड्रेट पेपर डिफिकल्ट राइट तो इट्स यू नो आइडिया दे द ब्रॉड आइडिया दो एवरी थिंग इज डन बाई सॉफ्टवेयर एंड विद कैलकुलेशन बट द मेन कॉन्सेप्ट इज़ देट कि अगर जिस टाइम के पेपर में अगर उस टाइम पे अगर लोगों ने ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैं मा, ये मान रहे हैं कि बैलेंस है अगर स, कि हर हर टाइम पे हर तरह के एवरेज एवरेज हर तरह के बच्चे आ रहे हैं तो अगर बच्चों ने ज़्यादा नंबर ले लिए हैं कि जनवरी सेवन्थ्स में ज़्यादा नंबर आ गए हैं बच्चों के एवरेज ज़्यादा आ गए ऊपर तो वो मान रहे हैं पेपर ईजी है ये नहीं मान रहे कि बच्चे अच्छे हो सकते हैं सेवन जनवरी को जो एग्ज़ाम देंगे इसलिए उनके ज़्यादा नंबर आए नहीं वो कह रहे हैं पेपर ईजी था तो उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर कम हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा गलत सिस्टम है कोई अच्छा बच्चा होगा टॉपर होगा ये होगा तो तो उसकी गलती क्या है इजी पेपर आया बताओ उसकी गलती क्या है उसने सारे क्वेश्चन कर दिए अगर मतलब बहुत नंबर ले लिए अगर थोड़ा पेपर डिफिकल्ट भी आता तब भी वो नंबर ज़्यादा लेता तो उसको डिसएडवांटेज हो गया इजी पेपर आने का क्योंकि इजी पेपर आने से आप ज़्यादा बच्चों ने नंबर ले लिए राइट और फिर उसको नंबर कम हो गए उसके उसका रैंक पीछे हो गया क्योंकि उसकी किस्मत ख़राब थी क्योंकि बाकी लोगों ने भी अच्छा कर दिया वो पेपर ईजी आया था अब ईजी पेपर आना उसकी तो गलती थी नहीं ईजी क्यों दिया बैलेंस बना पेपर बनाना चाहिए पहले तो गलती अपनी करते हैं ये कि बैलेंस पेपर क्यों नहीं बना सकते सारा एडजस्ट करके सबको स्कोरिंग कर दें कि वन टू टेन के ऊपर कि ईजी है तो जीरो स्कोर है और बहुत डिफिकल्ट है तो टेन है पाँच ही कर लें ज़ीरो है तो ईजी है तो ज़ीरो Uh, uh, और इजी है तो वन है और डिफिकल्ट है तो फाइव है ऐसे कर लें और फिर देख लें तो टोटल स्कोर हर पेपर का सेम बनना चाहिए तो कोई क्वेश्चन ईजी हो गया तो कोई डिफिकल्ट हो गया तो बैलेंस हो गया मेरे हिसाब से तो सबको फिर एक लेवल का पेपर मिलेगा ये कि ईजी पेपर दे दिया उसके नंबर ज़्यादा आ गए तो नंबर कम हो गए उसके तो अगेन मतलब अब्रॉड आइडिया ये है तो ओके गाइस थैंक यू सो मच एंड एंड विल तो एक बार प्रोबेबिलिटी रिवाइज़ कर लेना अगर ये भी आपने अच्छी तरह से कर लिया है तो काफ़ी होगा जितना एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं अगर थोड़ी और प्रैक्टिस भी कर सकते हो मैंने तो कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बट यू कैन प्रैक्टिस सम थैंक यू सो मच गाइस बाय